औखदा नमस्ते आदा श्रीकाल मैं हूं संकल्प कल्पांस और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टॉपिक्स एंड दैट इज गाइस फॉरेक्स करेंसी ऑप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन आई नो अट ऑफ स्टूडेंट जो इनको यूजअली ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स हेजिंग थ्रू तो उनके लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाता है बट अगर आठ से दस मार्क का क्वेश्चन आ गया इसमें सो इट कैन बिकम अ मेक और ब्रेक फॉर योर एग्जामिनेशन आईसीआई मॉड्यूल में, so में इससे रिलेटेड चार क्वेश्चन है चारों के चार क्वेश्चन में आप लोगों अभी यह सेशन में करवाने वाला हूं ठीक है मेरी तरफ से जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा दिस नोट्स इज लाइक यार तुम बोल सकते हो कि भाई एक पूरा प्रोफोर्मा आप लोगों के सामने आ जाएगा कब कॉल ऑप्शन लेना है कब पुट ऑप्शन लेना है ईच एंड एवरी थिंग लॉजिकली एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊंगा एंड यस दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू ऑल राइट गाइज सो चलो भाई शुभ काम में देवी किस बात की नोट्स ऑलवेज थ्रू टेलीग्राम चैनल देयर इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन सब्सक्राइब सो दैट आगे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहे कैसा लगता रहा लाइक like तो कर ही देना वीडियो को और कमेंट्स करते रहना how it is all going, कैसा लगा एंड एंड में सेशन ऑल ऑफ के साथ। मतलब आपने हो सकता है कि ये कभी देख लिया हो आपको करेंसी ऑप्शंस आता हो किसी और का देखा हो या सुना होगा उसके बारे में विदाउट फेल ये लेक्चर देख ही लेना वन पॉइंट फाइव की स्पीड पे देख लेना ठीक है अप्रोक्सीमेटली टू आवर्स मैक्सिमम बट वसूल हो जाएगा ये मैं बोलता हूं दिमाग के तार खुल जाएंगे लॉजिक्स खुल जाएंगे काफी सारे फॉरेक्स रिलेटेड करेंसी ऑप्शन तो तो आपका मन करेगा कि यस और सम्स करने है मजा आ रहा है एट द एंड ऑफ इट राइट बट एंड तक देखना अगेन आई एम टेलिंग यू यू इफ हैव सीन प्लीज वॉच इट टिल द एंड एंड जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए तो ये मक्खन है उसको तो मजा आ जाएगा ठीक है तो चलो फिर आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ दिस सेशन ऑन दिस पॉजिटिव नोट एंड लेट्स डू द बेस्ट क्या वो बोला करेंसी ऑप्शन क्या है सर सो so, देखो करेंसी इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स यस सर ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ डेरेवेटिव यस सर एक जगह जब जमा हो तीनों फॉरेक्स डेरेवेटिव और आप सो फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव्स जब मैं करता हूं ना दैट इज वेयर वी गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी ऑफ़ फ़ॉरेक्स एंड डेरेवेटिव तो कैसे करेंसी को यूज करके सॉरी ऑप्शन को यूज करके करेंसी के रिस्क को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं हेज़ कर सकते हैं इज वॉट इज ऑल अबाउट करेंसी ऑप्शन देखो एक बात हमेशा याद रखना ऑप्शन और फॉर दैट मैटर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना ये सब यूज किए गए इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर मैनेजिंग द रिस्क रिस्क फॉर मैनेजमेंट तो अब मेरे को यहां पे कौन सा रिस्क मैनेज करना है करेंसी का रिस्क मैनेज करना है उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं डेरिवेटिव्स कौन सा वाला डेरिवेटिव्स ऑप्शंस एंड दैट इज वेयर वी विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी ऑप्शन इसको प्यार से और एक चीज बोलते हैं एंड दैट इज हेजिंग फ़ॉरेक्स थ्रू हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट कौन सा किसका रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स का रिस्क मैनेजमेंट क्या यूज करके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला ऑप्शन समझ में आ गया सो so, इधर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा इट इज नथिंग बट बेटर हेजिंग Forex using derivatives. चलो तो आई एम अज्यूमिंग करॉलेज होगा आई एमिंग ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा हो बस ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज यूज करके ये बड्डा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा सो आई होप बेस एक आप लोग का सेट हो चुका है आपको समझ में आ गया कि ठीक है कहां पर यूज क्या यूज है इस चीज का ऑप्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे डर है कहीं करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे लॉस ना हो जाए राइट right. सो so, ये जो बड़ी बडी कंपनीज उनको इस चीज का डर हमेशा रहता है सपोज मैंने कोई 100 करोड़ का माल मंगवाया है इम्पोर्ट किया है आउटसाइड इंडिया से तो मुझे एक अलग डर है मैंने अगर कोई चीज एक्सपोर्ट की है सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है आउटसाइड इंडिया तो मुझे एक अलग डर है तो ये दोनों डर को ये दोनों डर की वजह से रिस्क पैदा होता है ये रिस्क को मैनेज करना है मेरे को करेंसी के फ्लक्चुएशन के रिस्क को मैनेज करना है और उसके लिए अपन लोग यूज करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज द आई होप आर क्लियर अब एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मैं देता हूं बेसिक सी बात बताता हूं बहुत ज्यादा घुसना मत भूल जाओ कि तुम लोग फाइनल के स्टूडेंट हो या फिर बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज पड़ रहा है ऐसा कुछ मत सोच एकदम बेसिक बनिया दिमाग ओपन रखना एंड we'll इसको यूज करना चाहेगा कौन इसको यूज करना चाहेगा किसको? किसको करेंसी ऑप्शन तो मैं बताता हूँ दो ही लोग यार इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यही दो लोग यूज कर पाएंगे और क्या ही कोई यूज कर पाएगा आप और मैं अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो, तो अपन तो लोकल करेंसी में कर रहा है अपना तो कोई काम ही नहीं है इसमें इट इज ओनली वेन देर इज अ फॉरन करेंसी इन्वॉल्व ओनली गोइंग टू विश इन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो आप फर्ज करो कि अगर आप सपोज इंपोर्टर हैं तो आपको क्या डर होगा अभी इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं सिंपल एकदम रखेंगे अपन लोग लॉजिकल रखेंगे सो so, मेरे को एज अ इंपोर्टर एक लाख रुपए पे करने हैं एक लाख रुपए नहीं सॉरी एक लाख डॉलर पे करने है किसी को एक लाख डॉलर मेरे को पे करना है आउटसाइड इंडिया मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किया है मशीनरी और एक लाख डॉलर मेरे को तीन महीने बाद पे करना है आज की तारीख में स्पॉट है से वन डॉलर वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव बराबर है अब मुझे डर है मुझे डर है कि अगर ये वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइंटी हो गया तो तो मैं तो गया क्योंकि आज ही अगर मैं इसको पे ऑफ कर देता हूं तो मेरे को आज की तारीख में ये सेम पे करने के लिए एटी फाइव लगेगा

ये रेट फ्रीज हो जाए क्या ना इससे अपन लोग ने कहीं पे ऑप्शंस में पढ़ा हुआ है ना ये चीज सो मेरे को ये राइट टू बाय पे ये चीज फ्रीज हो जाए कि अगर बढ़े तो भी मेरे लिए ये प्राइस फाइनल है खाली एक, एक एग्जांपल दे रहा हूं बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जब जाएंगे तब बताऊंगा बट एक आइडिया आ रहा है आपको मेरे लिए ये डॉलर वन डॉलर इक्वल टू तो रुपीज एटी फाइव फ्रीज हो जाए अरे ऐसे कैसे फ्रीज कर दे इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा चलेगा मैं प्रीमियम पे करने को रेडी हूं और अगर समझो 85 का 90 हुआ तो वेन द मार्केट इंक्रीजेस कॉल ऑप्शन लिया हुआ है राइट टू बाय पे अपन लोग यहां पे इसको एक्सरसाइज करवा लेंगे समझ में आ रहा है कहां पे ये चीज यूज होती है बेटा तो अब उल्टा करेक्ट अब उल्टा सोचो सपोज एक्सपोर्टर हुआ तो तो एक्सपोर्टर हुआ तो ही सेम चीज समझो अपने को एज एक्सपोर्टर डॉलर एक लाख मिलने वाला है आज है स्पॉट पे वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव अब ये जो हमारा एक्सपोर्टर है इसको अलग ही डर है इसको डर है कि यार कहीं ये वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी हो गया तो तो मुझे जो एट्टी फाइव लाख मिलने वाले थे अब खाली एट्टी लाख मिलेंगे अरे यार मेरा फाइव लाख का नुकसान हो जाएगा तो मैं चाहता हूं मेरे लिए कि कैसे भी करके ये एटी फाइव वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव मेरे लिए फ्रीज हो जाए फिर मार्केट को भले ही नीचे जाने दो भले ही मार्केट को यहां से वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी पे जाने दो मैंने फ्रीज करके रखा है क्या वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव तो अगर मैंने ये फ्रीज करके रखा है Yes, उसके लिए मैं थोड़ा प्रीमियम दे दूंगा परवाह नहीं बट मेरे लिए अगर ये फ्रीज हो गया है, तो अब मेरे को टेंशन नहीं मैं यही प्राइस के ऊपर अपना डील क्लोज करूंगा और समझो सर 85 का 86 हो गया तो ठीक है मेरा जो ऑप्शन है उसको लैप्स होने दूंगा और 86 सिक्स में डील क्लोज कर लूंगा विच आर इज बेनिफिशियल समझ में आ रहे हो बट एटलीस्ट यहां पर ऑप्शन को फ्रीज करवा के करंसी के लिए वॉट आई एम डूइंग इज आई एम मैनेजिंग माई रिस्क एग्जेक्टलींसी exactly ऑप्शन तो अब मुझे आज ही पता है मैंने अगर वन डॉलर इक्वल टू रूपीजर मेरे जेब से एटी फाइव लैख रुपीज जाने वाला है तीन महीने बाद नो टेंशन प्लस उसके लिए ये फ्रीज करने के लिए मुझे जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा पचास हजार रुपए का प्रीमियम पे कर दिया नो टेंशन तो एटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड जाने वाला है मैं पहले से ही क्लियर हूँ

आया आपको लॉजिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं दिस इज द होल प्रोसेस मतलब ये रीजन है जिसकी वजह से करेंसी ऑप्शन को यूज किया जाता है अब कैसे इसको यूज कर रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको खाली आइडिया दे रहा था पहले मैंने आपको बताया करेंसी ऑप्शन होता क्या है? समझ गए फिर कौन यूज करता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्यों यूज करता है बस ये करेंसी फ्लक्चुएशन की डर की वजह से एक फ्रीज हो जाए उसके लिए और यहाँ बेनिफिट भी है कि अगर मेरे फेवर में कुछ हो गया, ये, आ, 85 का, 82 हो गया गया सपोज ये का तो मैं लैप्स भी करवा सकता हूं। तो ठीक है मेरे लिए वो बेनिफिशियल एटी टू वाला तो मैं इसको लैप्स कर दूंगा तो एटी टू का गया प्लस पचास हजार रुपया जो मेरा प्रीमियम था वो लॉस एटी टू लैफ्टी थाउजेंड में मेरा काम हो गया नो प्रॉब्लम सो आई हैव अ ऑप्शन राइट टू बाय बट उसके लिए पचास हजार दिया है तो ओवरऑल मेरे लिए क्या यह बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू और फॉरवर्ड और वटेवर वो मेरे को करके मेरे कंपनी को देना है एंड डिसीजन लेना है समझ में आ गया सर ये वाला अब इसको कैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस अप्लाई करना है वो समझने की कोशिश करते हैं चलो अब आपको एक पहला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ले रहा हूं एक सम uh, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब तो आप लोग को यहां से ही बेटर रहेगा कि आप कॉपी कर लो सो वेयर इज द सम हियर इज द सम जस्ट अ मोमेंट ये रहा करेंसी ऑप्शन का एक, सा सम। एक दम बेसिक शासन एकदम बेसिक शासन कहीं नहीं मिलने वाला है आपको ये सब बता दू मैं आपको ठीक है सो इसके लिए यहां पे ही मिलेगा यहां से ही कॉपी करना पड़ेगा आपको कॉपी भी मत करो समझना इज मोर इंपॉर्टेंट मॉरिस लिमिटेड प्लेज एन ऑर्डर टू बाय मशीनरी विद एन अमेरिकन कंपनी एज पर द कंपनी दीमेंट मॉरिस लिमिटेड विल बी पेइंग डॉलर टू लैक आफ्टर वन एटी डेज द कंपनी मॉरिस लिमिटेड कंसिडर्स यूजिंग वन या तो फॉरवर्ड हेज टू ऑप्शन ज और नो हेज कंसल्टेंट ऑफ मॉरिस लिमिटेड कलेक्ट्स एंड डेवलप्स द फॉलोइंग डेटा एज डिजायर्ड बाय द कंपनी विच कैन बी यूज टू असेस द असटरनेटिव अप्रोचेस फॉर हेडिंग हेजिंग तो बाकी वो सब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्पॉट रेट ऑफ डॉलर वन एटी डे फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर फ्यूचर स्पॉट रेट इन एटी डेज कॉल ऑप्शन ऑन द डॉलर पुट ऑप्शन कैरी आउट कॉम्प्रिहेंसिव कम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस आउटकम्स एंड डिसमिटेड कौन है एक इंडियन कंपनी जो क्या कर रही है प्लेस इज एन ऑर्डर टू बाय मशीनरी तो ये इंडियन कंपनी क्या कर रही है मशीन बाय कर रही है मतलब ये सब एक एक्सपोर्टर के नजरिए से हो गया ठीक है एकदम लॉजिक से मैं सॉल्व करूंगा और फिर बाद में कॉन्सेप्ट तुम लोग के साथ डिराइव करूंगा ठीक है सो अपना है एग्जाम्पल जिसका अपन सोल्यूशन ट्राई कर रहे हैं पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दैट वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सो एक कंपनी है जिसका नाम है मॉरिस लिमिटेड ये एक इंडियन कंपनी है सर कहां लिखा है सी देखो अम, सामने वाली है अमेरिकन कंपनी बाकी डॉलर है और यहाँ पे रुपीस की बात हो रही है सो so, बट है कि अगर एक अमेरिकन कंपनी है जिसको अपने को पेमेंट डॉलर में करना है तो अपनी कंपनी जो बचा हुआ भाई रुपीस बचा है तो रुपीस मतलब इंडिया की हुई ना यार कैसी बातें करते हो सो मॉरिस लिमिटेड इज गोइंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम दिस अमेरिकन कंपनी जिसका नाम नहीं दिया हुआ है सो मॉरिस लिमिटेड इज इंपोर्टिंग मॉरिस लिमिटेड इज द इम्पोर्टर ओके कितने का सर डॉलर टू लैख का चीज इंपोर्ट कर रहा है अब जैसे ही वो डॉलर टू लैख इंपोर्ट कर रहा है मॉरिस लिमिटेड इंडिया इज अंडर द टेंशन के अगर कुछ करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ इन केस उसको प्रॉब्लम हो सकता है तो उसने तीन तरीके निकाले हैं अपने आप को बचाने के लिए पहला तरीका उसने बोला है दैट आई विल वन यूज अ फॉरवर्ड हेज तो फॉरवर्ड रेट के हिसाब से कर लेगा दूसरा उसने बोला है मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन हेज और तीसरा उसने बोला है कि मैं अगर हेज ही नालू देखा जाएगा जो होगा अरे सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा ऐसा उसने थर्ड ऑप्शन में सोचा है देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसके लिए सबसे बेस्ट बैठता है सबसे पहला आता है फॉरवर्ड हेज इसमें तो अभी एसएच मेरे को बहुत ज्यादा तुम लोगों को दिमाग लगवाने की जरूरत है नहीं तो स्पॉट रेट ऑफ डॉलर दिया है 180 डे फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉलर दिया है 47.5 पर डॉलर मतलब 1 डॉलर इक्वल टू ₹47.5 दिया हुआ है अपने को डॉलर टू लैख उसको ट्रांसफर करना है तो कितना देना पड़ेगा वन एटी डेज के बाद अगर मैं फॉरवर्ड एंटर करता हूं तो सो टू लैख इन टू फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव एंड दैट इज नाइन करोड़ फिफ्टी लैख नहीं नहीं नाइनटी फाइव लैख ओके सॉरी सो रुपीज नाइनटी फाइव लैख आ गया ये तो हंसते खेलते हो गया एक लाइन का आंसर है तो फॉरवर्ड का मेरे को टेंशन है भी नहीं अगर मैं हेज नहीं लेता हूं तो देखो क्या बोला है वो लोग ने वो भी मैं आपको एकदम दो मिनट में बता देता हूं तो ये वाला मेरा जो पोजिशन है वो क्लियर हो गया फ्यूचर स्पॉट रेट इन डेज एज एस्टिमेटेड बाय द एस्टिटेड सेवन फाइव पर डॉलर सो यहां पे वो भी अपने पास आ गया कि फ्यूचर में स्पॉट रेट कितना हो जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव तो उस हिसाब से उस लिहाज से अगर मैं बोलता हूं भाई वन डॉलर आगे जाके होने वाला है फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव मेरे को दो लाख ,00 डॉलर ,00 ट्रांसफर करना है देन इन दैट केस करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव इन टू टू लैखना हो गया ये हो जाएगा रुपीज नाइन लैख्टी थाउजेंड तो आई थिंक ये ऑप्शन से तो अच्छा फॉरवर्ड वाला ऑप्शन था तो कहने का मतलब है मेरा फॉरवर्ड वाला सीन हो गया मेरा नो हेज वाला सीन हो गया अब बाबूजी मेन क्या है क्यों कर रहे ये क्वेश्चन देखने के लिए कि ऑप्शन हेजिंग बेटर है फॉरवर्ड हेजिंग से या नहीं नो no हेज से तो फॉरवर्ड हेज बेटर यह अपन लोग ने देख लिया राइट right. अब अपने को देखना है ऑप्शन वाले का कॉन्सेप्ट यूज करके एंड दैट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपन लोग यूज कर रहे हैं अपन यूज कर रहे हैं ऑप्शन करेंसी ऑप्शन सॉरी We are going to use currency options. मुझे बताओ currency options अगर अपने को यहां पर use करना है then options का थोड़ा बहुत idea तो आपको होगा ही I am sure. चलो so कौन use करने वाला है currency options? Correct. मॉरिस Limited जिसका risk है जिसका currency का risk है याद है जब मैं starting starting में तुम लोगों को समझ करवाता था, था? जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ मैं कभी भी लिखवाता हूं कि इम्पोर्टर कौन है आई I मीन mean, कौन सी कंट्री का है एक्सपोर्टर कौन है और कौन सी कंट्री का है इनवॉइस कौन सी करेंसी में दी हुई है तो का करेंसी एंड देन करेंसी रिस्क कौन सी करेंसी को है वो तो यहां पे अपन लोग जैसा कि देख सकते हैं कि बेटा इंपोर्टर है इंडिया वाले मतलब रुपीस एक्सपोर्टर है अमेरिका वाले मतलब डॉलर इनवॉइस है डॉलर में मतलब करेंसी रिस्क किसको हुआ बेटा अदर करेंसी को भाई जिसका इनवॉइस है उसको जिस करेंसी का है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसको तो उसकी करेंसी में मिलने वाला है पैसा तो अदर करेंसी इज एट द रिस्क विच इज इंडिया वाले विच इज मॉरिस लिमिटेड समझ में आ गई इधर तक बातें क्लियर है सर अब अपने को सेटअप करना है मॉरिस लिमिटेड के लिए क्या सेटअप करना है अपने को करेंसी ऑप्शंस। सो मॉरिस लिमिटेड लॉजिकली करेंगे फिर उसका एक आइडियल फॉर्मेट बना लेंगे मॉरिस लिमिटेड क्या है ये मॉरिस लिमिटेड सर मॉरिस लिमिटेड एक इंपोर्टर है याद करो इंपोर्टर को क्या डर होता है इस इंपोर्टर को क्या डर था कि वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी फाइव है अगर वन डॉलर इक्वल टू रूपीज नाइनटी हो गया तो मैं तो गया तो मुझे डर है कि कहीं ये करेंसी का रेट बढ़ ना जाए तो मैं यहां पे क्या करूंगा अगर मुझे डर है कि करेंसी रेट बढ़ ना जाए तो करेक्ट राइट टू बाय कॉल ऑप्शन यूज करूंगा अब थोड़ा मैं और फिर भी और बेसिक्स के ऊपर जाता हूं और उसको तुम लोग को समझाता हूं डोंट वरी सो अब मेरा ये जो मॉरिस लिमिटेड है जो एक इंपोर्टर है उसको मैं जाके बोलूंगा कि सुन मॉरिस लिमिटेड मेरे भाई हाँ। मॉरिस लिमिटेड मेरे भाई तेरे को क्या चाहिए सो मॉरिस लिमिटेड क्या बोलेगा कि देखो मेरे पास तो रुपीस है ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूँ? व्हाट विल द इंपोर्टर डू जैसा कि अपन लोग करते हैं मैं यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट विल द इंपोर्टर डू याद है स्टार्टिंग स्टार्टिंग के बेसिक कांसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही सब अपन पूछते थे ना एक दूसरे को अभी तुम्हारे का सब क्लियर हो गया तो ऐसा चलो वॉट विल द इम्पोर्टर डू इम्पोर्टर को चाहिए दो लाख डॉलर उसके पास है रुपीज तो वो क्या करेगा बैंक में जाके सेल रुपीज बाय डॉलर करने वाला है वो और अगर उसको बाय करना है याद करो ऑप्शंस ऑप्शंस याद करो कि अगर मेरे को लॉन्ग करना है मेरे को बाय करना है कोई चीज को देन इन दैट केस क्या करूंगा मैं कैन आई से राइट टू बाय अगर मेरे को चाहिए करेक्ट आई विल यूज द कॉल ऑप्शन आई विल यूज द कॉल ऑप्शन अगर मेरे को राइट टू बाय चाहिए बॉस मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं कॉल ऑप्शन लूंगा क्यों क्योंकि यहां पे मैं मेरे डॉलर के प्राइस को फ्रीज कर लूंगा अगर यहां से ऊपर भी गया तो मैंने जो प्राइस पे फ्रीज किया हुआ है मेरे को उस प्राइस पे मिल जाएगा ऑब्वियसली वो फ्रीज करने के लिए मुझे कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा चलेगा बट मेन क्या है आइडेंटिफाई करना कि मेरे को कॉल ऑप्शन लेना है या मेरे को पुट ऑप्शन लेना है यहां पे मैंने पहले आइडेंटिफाई किया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई कर लू कि मेरे को कॉल ऑप्शन लेना है कि पुट ऑप्शन लेना है फिर तो बाद में प्रोसेस बहुत सिंपल है फिर तो खाली उसको एग्जीक्यूट करना है बट पहले आइडेंटिफाई करो कैसे आइडेंटिफाई किया बॉस इंपोर्टर है इंपोर्टर है तो इंपोर्टर को करेंसी ये वाला फॉरेन करेंसी बाय करना है अगर फॉरेन करेंसी उसको बाय करना है बेटा ध्यान देना यहाँ पे अगर मेरे को फॉरेन करेंसी बाय करना है तो मुझे क्या डर है मुझे डर है कि अगर ये बढ़ गया तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ना कि अगर ये आज है मेरा वन डॉलर इक्वल टू रुपीज कुछ फोर्टी सेवन चल रहा है स्पॉट कितना चल रहा है 47 चल रहा है ना तो अगर ये मेरा आज वन डॉलर इक्वल टू ₹47 है मेरे को तो यही डर है ना कि अगर ये Rs. ₹49 हो गया तो तो मेरे से तो उतना एक्स्ट्रा पेमेंट चले जाएगा तो आई वांट टू फ्रीज आई वांट टू फ्रीज द प्राइस सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज एन तुम लोग के लिए एक्सप्लेनेशंस देते जा रहा हूं मैं एज एन इंपोर्टर आई विल फ्रीज़ द करेंसी रेट्स बाय एक्सेस बाय यूजिंग द राइट टू बाय कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग राइट टू बाय कॉल ऑप्शन समझ में आया आपको एवरीबॉडी समझ में आ गई है बातें ठीक है सो so, अब यहां पे देखो दो चीज दिया हुआ है एक दिया हुआ है कॉल ऑप्शन ऑन द डॉलर एंड दूसरा दिया हुआ है पुट ऑप्शन ऑन द डॉलर सो एक दिया हुआ है अपने को कॉल ऑप्शन एंड दूसरा दिया हुआ है पुट ऑप्शन अपन कौन सा यूज करने वाले है ओ, ओ, सर दिख नहीं रहा है हाँ अभी देखो एक मेरे को दिया हुआ है कॉल ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है पुट ऑप्शन अपन कौन सा यूज करने वाला है कॉल ऑप्शन अपन यूज करने वाले है कॉल ऑप्शन क्यों क्योंकि मेरे को डर है करेंसी का रेट बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो बाय राइट टू बाय बाय का मैं प्राइस फ्रीज कर दूंगा गॉट इट गॉट इट सर कोई प्रॉब्लम नहीं है एब्सोल्युटली सो so, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब यहां पे देखो क्या बोला कॉल ऑप्शन ऑन द डॉलर व्हिच एक्सपायर्स इन 180 डेज हैज एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ये ₹47 पर डॉलर इट टू ₹47 रुपीज रुपीज फोर्टी सेवन पर डॉलर एंड प्रीमियम इतना अपने को पे करना पड़ेगा सो so, देखो 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 अब अगेन पहला वी आर टेकिंग कॉल ऑप्शन जो है मेरा राइट टू बाय जो है मेरा राइट टू बाय राइट टू बाय कब लेते हो वेन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अपर को वही डर है अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं यहां पर राइट टू बायूज कर सकता हूं समझ में आ रहा है आपको वी आर टेकिंग कॉल ऑप्शन राइट टू बाय बाय प्रीमियम कितना प्रीमियम बोलो बोलो कितना प्रीमियम मैं भी बड़ी प्रीमियम मैं पे करने वाला हूं बोला यहाँ पे रुपीज फोर्टी सेवन पर डॉलर बाई पेइंग प्रीमियम रुपीज फोर्टी सेवन पर डॉलर सॉरी प्रीमियम पॉइंट फाइव टू पर डॉलर सॉरी सॉरी बाई पेइंग प्रीमियम पॉइंट फाइव टू पर डॉलर बराबर है एंड फ्रीजिंग रेट क्या रेट अपन फ्रीज कर रहे हैं रुपीज फोर्टी सेवन पर डॉलर मेरे लिए फ्रीज हो गया है मेरे लिए फ्रीज हो गया वॉट इट एवरीबॉडी टन सर अब देखो आज मुझे पे करना पड़ेगा देर फॉर पे प्रीमियम बराबर है अच्छा कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा मेरे को सो पॉइंट फाइव टू पर डॉलर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई एक डॉलर का रुपीस पॉइंट फाइव टू पे करना पड़ेगा बराबर है तो 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 डॉलर दो लाख का चाहिए तो कितना प्रीमियम आ जाएगा है। इसको तो terms में देखना पड़ेगा सो पे प्रीमियम रुपीज वन लैख फोर थाउजेंड बराबर है अब ध्यान से रखना देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाते जा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू जाते जा रहा हूँ फिर इसको अपन लोग एक फॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट में बताऊंगा डोट वरी अब मैंने जब प्रीमियम पे कर दिया है सो प्रीमियम मैंने पे कर दिया है रुपीज वन लैख फोर थाउजेंड का बराबर है एंड मैंने फ्रीज कर दिया है मेरा स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज एक्सरसाइज प्राइस जिसको अपन स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं कितना फ्रीज कर दिया है अपन लोग ने वन डॉलर इक्वल टू रुपीज फोर्टी सेवन अगर बढ़ा तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं बढ़ा तो लैब सोने देंगे तो अपने को करंट रेट सस्ता बढ़ जाएगा समझे कि नहीं सो so, चलो अभी आके देखो कितना आ रहा है सो so, मेरा अब देखो यहां पे इनडायरेक्टली वो लोग ने हिंट दिया है क्या 180 डे फॉरवर्ड रेट ऑफ डॉ फ्यूचर स्पॉट रेट इज एस्टिमेटेड बाय द कंसल्टेंट एट फोर्टी सो देर यहाँ पे अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर वन कितना होने वाला है डॉलर इक्वल टू तो अपन एक्सरसाइज करेंगे क्या सोच समझ के बताओ अपन एक्सरसाइज करेंगे क्या द आंसर इज यस राइट टू बाय तो तभी एक्सरसाइज करते हैं ना जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये यह जो करेंसी का रेट है ऊपर गया सो वी विल एक्सरसाइज ए गॉट इट दर क्या लिखेंगे सिंस फॉरेक्स रेट हैज इंक्रीज वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन सिंस फॉरेक्स रेट हैज इंक्रीज वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन और जैसे ही हमने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को समझ रहे आप जैसे ही हमने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को अपना काम हो गया so, अब मैं जब एक्सरसाइज करता हूं मेरे ऑप्शन को अब जब मैं मेरे मैंने अगर एक्सरसाइज किया ऑप्शन तो क्या सीन हो जाएगा मेरे को तो 47 में मिल जाएगा सो देर टू लैक मेरा बात हो गया है मेरे को एक डॉलर फोर्टी सेवन में मिलेगा बॉस वन एटी डेज में जब भी मैं कुछ मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं इनटू टू फोर्टी सेवन पर डॉलर तो कितना हो गया यहाँ पे दो लाख इनटू टू फोर्टी सेवन हो गया रुपीज नाइन्टी फोर लैक ये मेरा आउटफ्लो है प्लस मैंने प्रीमियम भी तो पे किया है प्रीमियम कितना पे किया मैंने वन लैख फोर वन लैक फोर थाउजेंड सो देर फॉर टोटल आउटफ्लो इफ करेंसी ऑप्शन इज टेकन करंसी ऑप्शन इज टेकन कितना आता है रुपीज नाइंटी फाइव लैक फोर थाउजेंड समझ में आई बात अभी क्लियर एवरी बड़ी बस, सर तो ये ये तो था, exactly. so, 95 मेरा गया. अभी सुनो, मेरे पास तीन है. एक मैंने फॉरवर्ड कवर लिया एक मैंने करेंसी ऑप्शन लिया हेलो तीसरा ऑप्शन क्या था एक मैंने वेट किया स्पॉट का स्पॉट आफ्टर वन एटी डेज सुनो पहले वाले में, में मेरा आया नाइन्टी फाइव लैख आउटफ्लो तीसरे वाले में आया नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव लैख नाइन पॉइंट फाइव लैख और दूसरे वाले में आयाटी फाइव लैख फोर थाउजेंड जस्ट के लिए फॉरवर्ड इज बेटर बट अपने को मेन तो क्या था पाउची मेन क्या था अपने लिए कि करेंसी ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है ये एक बेसिक एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था कहीं नहीं मिलेगा अब एक फील आ गया अपने को अच्छा ऐसा होता है करेंसी ऑप्शन इजीली मैनेज भी हो पाया एंड थोड़ा अपना दिमाग भी अब इस डायरेक्शन में चलने लग गया गॉट इट एवरीबॉडी बस अब थोड़ा और लेवल को बढ़ाते जाएंगे और अच्छे लेवल पे जाते जाएंगे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट बना देंगे दो तीन और सम्स यूज करके फिर दुनिया का कोई भी सम कहां से भी आने दो रे अपने को कभी टेंशन नहीं होगा है ना चलो तो क्या आप लोग को समझ में आ गई बातें अब अगर मैं यही जो क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया उसको एक फॉर्मेट में डालता हूं तो देखो क्या आएगा तो यहां पे अपन कर रहे हैं करेंसी ऑप्शंस मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूं सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है वो ही आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉल पुट दैट इज वॉट टू डू एक बार वो हो गया फिर स्टेप टू पे चलेंगे तो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सा ऑप्शन लेना है तो अभी अपन ने देखा कि हमारे केस में हमारा जो मॉरिस लिमिटेड था ये था एक इंपोर्टर बराबर है ये था एक इंपोर्टर इंपोर्टर को क्या डर है कि प्राइस अगर बढ़ गया तो और प्राइस बढ़ जाता है तो अपन लोग क्या लेते हैं कॉल ऑप्शन राइट बस वही लॉजिक को यूज कर तो इंपोर्टर को करना है फॉरेन करेंसी बाय क्यों रे क्यों इसको फॉरेन करेंसी बाय करना क्योंकि इंपोर्टर फॉरेन करेंसी बाय करके इंपोर्टर भेजेगा ना अपने एक्सपोर्टर को जब आपको कुछ बाय करना है तो यूजुअली व्हाट यू विल डू इज आपको डर क्या है रिस्क क्या है कि उसका रेट बढ़ जाएगा सो रिस्क इंक्रीज इन रेट तो उसको हेज करने के लिए आप क्या कर देंगे फ्रीज कर देंगे क्या कॉल ऑप्शन के थ्रू राइट टू बाय एक्सरसाइज प्राइज फ्रीज कर देंगे एक्सरसाइज फ्रीज कर देंगे क्या यह आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ गया एवरीबॉडी क्या आप लोगों लोगों को को सब समझ में आ गया एक्सरसाइज प्राइस अपन लोग ने फ्रीज कर दिया यूजिंग कॉल ऑप्शन अगर मैं इंपोर्टर हूं और फॉरेन करेंसी बाय करना चाहता हूं तो बस इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो मैंने आप लोगों को अभी तक आभास नहीं होने दिया जिसका आइडिया मैंने अभी तक नहीं लगने दिया एंड गाइस एंड गाइज दैट वॉज के मेरा जो यहां पे इंपोर्टर है ठीक है इंपोर्टर है ना तो इंपोर्टर के लिए यहां पर जो करेंसी uh, का डिनोमिनेशन दिया है दैट शुड बी इन फॉरिन करेंसी मतलब फॉरन करेंसी तुम्हारा बेस में होना चाहिए सो ऑल ऑफ दिस Will be applicable सो so, इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा साइड पे जगह कर देते हैं ये ये सब एप्लीकेबल हो क्यों हो पाया पता है क्योंकि डिनोमिनेशन दिया था वन डॉलर इक्वल टू रुपीज फोर्टी सेवन के टर्म्स में थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं क्यों पता है क्योंकि ये डिनोमिनेशन दिया था वन डॉलर इक्वल टू रूपीज फोर्टी सेवन के टर्म्स में जी हां मतलब फॉरेन करेंसी यहां पे बेस पे था फॉरेन करेंसी वाज एट बेस ठीक है करेंसी डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी के टर्म्स में दिया था सो करेंसी डिनोमिनेशन was in terms of foreign currency. तो सर अगर उल्टा होता तो मतलब अगर रुपीज के टर्म्स में दिया तो आओ दिखाता हूं तुम लोग को दो एग्जाम्पल के थ्रू और फिर मेरा ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा अभी ये तो एक बोलते हैं ना ड्राफ्ट फॉर्मेट है सर तो थोड़ा इसको एक और एक्सप्लेन करो ना बताता हूँ फॉरन करेंसी के टर्म करेंसी वॉज एट देश वन डॉलर इक्वल टू फॉरन करेंसी करेंसी डिनोमिनेशन वॉज इन टर्म्स ऑफ फॉरिन करेंसी वन डॉलर इक्वल टू रुपीज फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन वॉट एवर इज द केस तो सर अगर वन रुपीज के टर्म्स में होता तो आओ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक नहीं दो सपोज अगर दिया होता वन रुपीज इक्वल टू डॉलर ठीक है एवरीबॉडी प्लीज फोकस वन रुपीज इक्वल टू डॉलर ऑब्वियसली डॉलर तो पॉइंट जीरो वन टू के टर्म्स में ठीक है एन आपको बोला है कि भाई आप ही इंपोर्टर ही हो आपको डॉलर टू लैख पे करना है डॉलर टू लैख पे करना है तो एसेंशियली आपको कितना रुपीज पे करना हो पड़ेगा अगर स्पॉट के हिसाब से मैं अगर देखू तो सपोज ये स्पॉट का रेट है आप इंपोर्टर ही हो चलो वो भी मैं लिखवा देता हूं भाई वो भी लिखवा देता हूं इंडियन इंपोर्टर हैज़ पे डॉलर टू लैख आप इंडियन इंपोर्टर ही और आपको डॉलर टू लैख पे करना है अब समझो वन रुपीज इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन टू टू डॉलर है तो मतलब कितना रुपीज पे करना हुआ सो टू लैक इन टू वन बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पॉइंट जीरो वन टू सो ये आ गया रुपीज वन करोर वन पॉइंट सिक्स सेवन क्रोर ले लेता हूं मैं ठीक है थोड़ा लिखना है लिख लो भाई 1.67 करोस मेरे को पे करना पड़ेगा कैसे आई ये डॉलर 2 लाख इनटू वन डिवाइड बाय 0.012 टेंसन सो ऐसा सिनेरियो है अब सुनो दो बातें हो सकती है या तो फ्यूचर में अगर वन डॉलर इक्वल टू सॉरी वन रुपीस इक्वल टू डॉलर 0.012 है बेटा वन, रुपीज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो जा रहा है अगर आज का आज ही पेमेंट करना होता तो पर ऐसा होता नहीं है बराबर है करेंसी ऑप्शन ले इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में ये सब चीजें होने वाली है समझो फ्यूचर में गेम बदला हमको अगर से फॉर एग्जांपल चार महीने का तीन महीने का दिया हुआ है एंड ये हो गया रुपीज क्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव यान रुपीज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो, वन जीरो ठीक है? इस केस में, अगर ऐसा हुआ और दो लाख डॉलर पे करना है तो कितना आएगा तो टू लाख इंटू वन डिवाइड बाई पॉइंट जीरो वन फाइव तो ये आता है रुपीज वन पॉइंट थ्री थ्री क्रॉर्स एवरीबॉडी ये आता है 1.33 करोड़ तो इसका तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि पहले 1.67 बनना था 1.33 आएगा अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं डॉलर 2 लाख अब मेरा ये रुपीस कितना आ जाएगा तो इट विल बिकम 2 लाख 1 0.010 एंड दिस विल बी रुपीस 2 करोड़ अब सुनो अगर मैं इंडियन इंपोर्टर हूं और क्वेश्चन में रुपीज जीरो जीरो वन रुपीज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो है तो फ्यूचर में मुझे डर क्या है पता है कहीं ये डॉलर कम ना हो जाए कहीं ये जो रेट जो चल रहा है वो कम ना हो जाए एंड अगर कम हो जाता है तो मुझे टेंशन है तो मैं क्या बोलूंगा नहीं नहीं मेरा तो ये प्राइस ही फ्रीज कर दो मेरा तो देखो ये हुआ तो टेंशन नहीं है मेरे को टेंशन किस बात का है अगर डॉलर पॉइंट जीरो वन टू के जगह पे डॉलर पॉइंट जीरो वन जीरो तो मतलब कहना से वो गिर गया अभी जो करेंसी के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं तो कहना से डॉलर अगर डॉलर पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन टू के जगह पे जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो हो गया तो माय oh गॉड तो मुझे नहीं नहीं मुझे ये फ्रीज कर दो अगर ये नीचे हो गया तो मुझे टेंशन है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे टेंशन क्या है अगर ये नीचे हो गया तो मुझे टेंशन है करेक्ट तो अगर कोई चीज नीचे गिरने वाली है और मुझे उसका फायदा लेना है या मुझे चाहिए कि भाई को उस नीचे जाने की वजह से लॉस ना हो तो मैं क्या करता हूं पुट ऑप्शन ले लूंगा राइट टू सेल को फ्रीज कर दूंगा तो यहां पे अगर अगर डिनोमिनेशन अगर, अगर ये देखो ना आप समझे डिनोमिनेशन अगर यहां पे डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी के जगह पे इंपोर्टर की होम करेंसी में है देन इन दैट केस इंपोर्टर की होम करेंसी में है देन इन दैट केस मैं पुट ऑप्शन लेता हूं समझे ये गेम है करेंसी ऑप्शन इतने सारे इसमें पड़ा इसी की वजह से आते हैं ये छोटी छोटी चीजों की वजह से आते हैं यस yes, समझे तो अगर 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 इंपोर्टर यू मैं बट 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 जो दिया हुआ है उन्होंने फॉरेक्स का जो टर्म्स दिया हुआ है दैट इज होम करेंसी को उन्होंने बेस के हिसाब से दिया हुआ है देन आई विल टेक अ पुट ऑप्शन इवन दो आई एम अ इंपोर्टर दू आपको और एक एग्जांपल ये तो डॉलर का एग्जांपल था ना चलो एक जैपनीज येन का एग्जांपल भी देता हूं आपको उल्टा खेलते सपोज जैपनीज येन है ये भी देखो ये समझ में आ गया सब लोग को एवरीबॉडी ये वाला एग्जाम्पल के पास ही रहने वाला एग्जाम्पल टेंशन मत लेना देखते रहना बिंदास और फिर मैं एक फाइनल बाद, उसके बाद, उसके बाद फटाफट हो जाएगा अपना सपोज स्पॉट का रेट दिया है, वन रुपीज टू, येन है तो ज्यादा उसमें होता है सो सपोज ये है टू जैपनीज एन अपने को उसको पे करना है सपोज फाइव लाख जेपनीज येन तो कितना रुपीज पे करना पड़ेगा आज के टर्म्स में आज के टर्म्स में कितना रुपीज पे करना पड़ेगा तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई पांच लाख डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई टू सो रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जाएगा बट सपोज दो ऑप्शन वन रुपीज इक्वल टू थ्री जेपनीज येन हो गया तो या फिर वन रुपीज इक्वल टू फोर जैपनीज येन हो गया तो सपोज फोर हो गया मेरे को फाइव लैख जैपनीज एन पे करना है ठीक है मेरे को फाइव लैख lakh... अरे सर दोनों ही बढ़ा रहे हो आप एक कम करो अच्छा ओके 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 तो ये ना इसको थोड़ा और ज्यादा रखता हूं मैं इसको रखता हूं मैं हाँ थ्री जैपनीज एन तो मैं इसको टू कर पाऊंगा ना यार तो इसको मैं फिर टू कर पाऊंगा चलो सो so अब देखो ये अगर थ्री जैपनीज एन हो जाते तो फाइव लैख इंटू वन डिवाइड बाय थ्री सिक्स अगर यहाँ पे समझो ये फोर जैपनीज एन हो गया तो क्या हो जाएगा फाइव लाख इंटू वन डिवाइड बाई फोर तो मेरे जेब से जाएगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मुझे टेंशन ही नहीं है उस चीज का क्योंकि अगर यहाँ पे वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड की जगह पे वन ट्वेंटी फाइव गया तो चलेगा बट यहां पे देखो अगर वो कम हो गया तो यहां पे तो बढ़ा बड़ा का टेंशन नहीं है यहां पे तो बढ़ा बड़े का टेंशन नहीं है अगर कम हो गया तो क्या हो रहा है देखो मेरे को तो फाइव लैख जैपनीज येन पे करना है अब मेरे जेब से कितना जाएगा करेक्ट इट विल बी रूपीज टू लैक फिफ्टी थाउजेंड तो मुझे किस चीज का डर है कि कहीं थ्री जैपनीज येन टू जैपनीज येन हो गया तो गिर गया तो और अगर कोई गिरने वाला है देन इन दैट केस क्या करूंगा मैं पुट ऑप्शन राइट टू सेल पुट ऑप्शन ये बोलता है मार्केट इज गोइंग टू फॉल यूज द पुट ऑप्शन फ्रीज इट तो इवन दो मार्केट फॉल्स आपने फ्रीज किया है यू हैव अ राइट टू सेल At this price. तो आपके लिए करेंसी हम फ्रीज कर देंगे पे राइट टू सेल मतलब यहाँ पे, right पे करेंसी ऑप्शन को फ्रीज करने का मतलब क्या है मैं इस करेंसी का रेट को फ्रीज कर रहा हूं अब अगर वन रुपीज इक्वल टू टू जेपी वाई गिर भी गया तो भी मुझे टेंशन नहीं है मैं इसी के ऊपर से पेमेंट कर सकता हूं क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन लिया है पुट ऑप्शन क्यों मेरे को लेना पड़ा यहां पे इंपोर्टर होते हुए भी क्योंकि करेंसी डिनोमिनेशन मेरे होम करेंसी लोकल करेंसी में दी गई है अब बन रहा है मेरा प्रोफोर्मा ध्यान से सुनना अगर इंपोर्टर है जिसको बाय करना है फॉरेन करेंसी या जिसको अपन लोग बोल सकते हैं पेमेंट करना है इन फॉरेन करेंसी दैट इज पेमेंट टू बी डन इन फॉरेन करेंसी आप पहले चेक करोगे कि जो क्वेश्चन में उन्होंने रेट्स दिया है वो किस हिसाब से रेट्स दिया है सो फॉरेक्स रेट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी तो फिर आप लोगे कॉल ऑप्शन राइट टू बाय समझी गय and 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 if 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 correct forex rates denominated in home या जिसको बोलते हैं अपन local currency correct तो फिर अपन लेंगे put option तो फिर अपन लेंगे put option हे समझ सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंसी ऑप्शन में होती है अपने लिए तो कि पहले अपन ये तो आइडेंटिफाई करें कि कॉल है या पुट है क्या लेना है आपको आपने फ्रीज कर लिया है अब आपने फ्रीज कर लिया है यहाँ पे कॉल ऑप्शन अब अगर भी मार्केट गया 47 अपन ने फ्रीज किया 49 भी गया अपन 47 पे ही करेंगे पेमेंट अगर अपन ने पुट लिया है अपना आया से वन रुपीज इक्वल टू आ, थ्री जैपनीज एन पे अब अगर ये टू भी गया तो भी हम वन रुपीज इक्वल टू थ्री जैपनीज एन के हिसाब से पेमेंट करेंगे एंड तो वो अपने लिए फेवरेबल होगा रिवर्स okay, होता है तो फिर अपने लिए तो फायदा ही है तो अपन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे ऑप्शन अलग ही बात है अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज बोलो यस yes. अब इधर नोट इसी को अगर चाहिए तो कंटिन्यू कर देता हूं यहां पे इधर से ये तो लिख देता हूं मैं ध्यान से देखना आप लोग इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अपन तो। हम्म अब इस केस में क्या इफ करेंसी रेट इंक्रीजेस

तो मैं एक्सरसाइज करेगा ही डिक्रीज हुआ तो मैं एक्सरसाइज करेगा क्योंकि अदरवाइज मेरे को टू लाख फिफ्टी देना पड़ेगा अभी एक्सरसाइज किया तो वन सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन ही देना पड़ेगा इफ करेंसी रेट डिक्रीजेस तो मैं एक्सरसाइज द ऑप्शन एल्स मैप्स बेस क्लियर हो गया है अपने को सबको एनी क्वेश्चन एनी गाइस अब अगर सेम टू सेम चीज एक्सपोर्टर के लिए मेरे को बनानी हुई क्या बात है क्या बात है अब तो आप लोग ही होने वाले मुझे लग रहा है करेक्ट सेम सेम टू चीज बस रिवर्स करनी है अगर चलो ना मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कोई टेंशन की बात नहीं है ये देखो ये आप लोग अभी खुद बना पाओगे देखना अगर सपोज इंपोर्टर की जगह पे हुआ एक्सपोर्टर इंपोर्टर के जगह पर हुआ एक्सपोर्टर तो आप अगर एक्सपोर्टर हो देन इन दैट केस आपके पास एक्सपोर्टर आपने कुछ गुड्स बेचा है तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगा वो आप मार्केट में जाके मतलब डीलर या बैंक को जाके सेल करोगे यू विल सेल फॉरेन करेंसी करेक्ट अब पेमेंट टू बी डन इन फॉरेन करेंसी था यहां पे अपने पास रिसिप्ट आएगा अपने लोकल करेंसी का यहां पे होने वाला है रिसिप्ट इन होम करेंसी पेमेंट नहीं रिसिप्ट टू बी डन इन होम करेंसी इसको अपन बोलते हैं लोकल टू बी रिसीव्ड बोल देते ना इसको क्या बोलते हैं टू बी रिसीव्ड इन लोकल और होम करेंसी फॉर एक्स रेट डिनोमिनेटेड इन फॉरन एक्सचेंज अगर यहां पर कॉल था तो यहां पर आ जाएगा पट एंड यहां पर आ जाएगा कॉल आपको चाहिए तो करके बताता हूं मैं एग्जाम्पल के थ्रू हाँ सर, बताओ, बताता हूं। देखो इफ करेंसी रेट यहां पर इंक्रीजेस के जगह पेजेज एक्सरसाइज द ऑप्शन एल स्लैब एंड यहां पर इफ करेंसी रेट Decreases के जगह इंक्रीज़ेस देखो आओ तुम लोग को करके दिखाता हूं मैं एक एग्जांपल भी सपोज आप हो एक्सपोर्टर ठीक है आपको डिनोमिनेशन में दिया हुआ है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज से एटी फाइव एटी फाइव वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव है भाई अपना करंट चल रहा है अपने को डॉलर एक लाख मिलने वाला है मतलब एटी फाइव लाख रुपीस मिलने वाला है बराबर है अब सुनो क्या हो जाता है समझो अगर ये वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी थ्री हो गया तो मेरे को एटी थ्री लाख ही मिलेगा जो मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इसी का डर है कहीं ये अगर मेरा डाउन हो गया तो यहां पे देखो राइट फॉरेक्स डिनोमिनेटेड फॉरेक्स रेट डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी यस

Yes, say for example वन rupees equal to dollar 0.012 wala जीरो example लेके आप लोग try कर लो you will get the same answer but याद रखना आप exporter हो आपको dollar बेच के पैसा मिलने वाला है एंड where मेरा सबसे फर्स्ट जो चीज था कि आपको पता चले कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन वो चीज कंफर्म करवा दिया है अच्छा एवरीबॉडी चलो अब एक ICAI का मॉड्यूल का सम करते हैं बस इन्हीं चीजों को बेस में रखते हुए आईसीएआई का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आईसीआई में भी में अपने ऑप्टिमाइज में भी, मैंने वही क्वेश्चन रखा है आईसीए का अगर आप मॉड्यूल खोलोगे तो आपको ये देखो सेम क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन थर्टी थ्री देखो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाला बस तो आपको यहाँ पे अब अपने को ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करना है तो प्लीज ओपन एवरी वन दिस क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट टूगेदर सो एक्स वाई जी एंड इंडियन फर्म विल नीड टू पे जैपनीज यून इन ऑर्डर टू हेच द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन फॉर्म इज कंसिडरिंग टू ऑल्टरनेटिव मेथड दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कवर एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसा अभी अपने सम में देखा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है फॉरवर्ड मार्केट कवर ले लो या फिर करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लो ऑन फर्स्ट अप्रैल द फॉलोइंग कोटेशंस आर मेड अवेलेबल स्पॉट का रेट दिया हुआ है एंड थ्री मंथ्स फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है JPY INR सो वी नो दैट कौन सा स्ट्रॉन्ग करेंसी है जापानीज येन और INR में INR इज द स्ट्रांग करेंसी सो INR के टर्म्स में ये यहां पे इन्होंने दिया हुआ है सो so, यहां पे अगर मैं इधर लिखू तो आई एन आर के टर्म्स में दिया हुआ है वन आई एन आर इक्वल टू जे पी वाई बेड और इंडियन फर्म नीड्स टू पे needs to pay. मतलब इंडियन फर्म इंपोर्टर है बेटा ध्यान से समझते जाओ इंडियन फर्म इंपोर्टर है बराबर है होम करेंसी लोकल करेंसी में कोटेड है ये फॉर एक्स का रेट्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ सो so, इंपोर्टर तो उसको बाय फॉरन करेंसी करना है पेमेंट टू बी डन इन फॉरन करेंसी जेपीवाई फाइल इधर अपने को दिखी रहा है मतलब वन डॉलर इक्वल टू रूपीज समथिंग बट फॉर डिनोमिनेटेड इन लोकल करेंसी क्या होता है one rupees is equal to something. Something, something. समझ रहे हो तुम लोग? Everybody? तो यहां पे one rupees is equal to 1 JPY या जो भी है वो है करेक्ट कौन सा आएगा पुट ऑप्शन आवी क्लियर एवरीबॉडी देखो कितना मस्त अभी सिस्टम सेट हो गया अब अपने को पता है कि कॉल ऑप्शन चाहिए ही नहीं अपने को चाहिए पुट ऑप्शन अपने को पता है स्ट्राइक प्राइस क्या है स्ट्राइक प्राइस 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 मतलब ये ये पे अभी आप लोग फ्रीज कर लेंगे राइट right टू so, मेरा फाइनल हो गया मेरे पास दो है. क्या एक फॉरवर्ड मार्केट दूसरा करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट समझे फॉरवर्ड मार्केट तो मतलब लेजिट दो सेकंड में हो जाएगा अपना दो सेकंड में फॉरवर्ड मार्केट हो जाएगा इधर so, so, लिखना है मॉड्यूल तुमको इधर लिखना है ऑप्टिमाइज जो लिखना है परवा नहीं ठीक है ओके okay. क्या बोलता है सोल्यूशन के बॉस आपके पास दो ऑप्शन है एक या तो आप फॉरवर्ड मार्केट कवर ले लो दूसरा आप करेंसी ऑप्शन का ऑप्शन ले लो पहला अगर फॉरवर्ड मार्केट कवर लेता हूं तो क्या रेट बैठ रहा है मेरा देखो जरा फॉरवर्ड मार्केट कवर में क्या बोला है थ्री मंथ्स फॉरवर्ड का यहाँ पे रेट दिया है कौन सा लेंगे ask, वो भी अपन लोग डिसाइड करते हैं तो देखो इधर फॉरवर्ड मार्केट कवर में क्या बोला है वो लोग ने थ्री मंथ्स फॉरवर्ड उन्होंने कहा है वन रुपीज इज इक्वल टू नेक्स्ट पेज पे करते हैं चलो थोड़ा प्रॉपरली

देन इन दैट केस क्या दिया है देखो लोग ने थ्री मंथ फॉरवर्ड मार्केट कवर दिया है वन रुपीज इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सेवन टू सिक्स स्लैश वन पॉइंट डबल नाइन टू थ्री वन पॉइंट नाइन सेवन टू सिक्स वन पॉइंट डबल नाइन टू थ्री राइट यस सो दैट इज हाउ द सिस्टम इज अब अपने को देखना है क्या करना है अपने को देखो वापस बेस के ऊपर जाओ बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ कभी भी कोई भी क्वेश्चन होना ये चीज लिख लेना चाहिए कि इंपोर्टर कौन है एक्सपोर्टर कौन है इनवॉइस कौन सी करेंसी में क्या अमाउंट के लिए है एंड करेंसी रिस्क किसके लिए है करके तो इससे ना एक क्लैरिटी रहती है आपको डिसीजन मेकिंग में ट्रस्ट मी सो इंपोर्टर कौन है बेटा इंपोर्टर इंडिया इंपोर्टर इज इंडिया अच्छा एक्सपोर्टर कौन है बेटा जापान जेपीवाई जेवाई लिखा है इनवॉइस क्या है इट इज जेपीवाई फाइव लैक तो करेंसी रिस्क किसका हुआ आई इंडिया का रुपीज का करेंसी रिस्क हुआ मतलब इंपोर्टर का करेंसी रिस्क हुआ सो व्हाट विल द इंपोर्टर डू बेटा व्हाट विल इंपोर्टर डू इंपोर्टर को क्या करना है पेमेंट करना है इन फॉरेन करेंसी पेमेंट इन फॉरेन करेंसी राइट पेमेंट इन फॉरेन करेंसी चलो अब चाहिए तो ये वाली सेम चीज आगे भी लिख देता हूं मैं सो वी विल राइटर हाँ भाई वॉट इंपोर्टर डू पेमेंट इन फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी में पेमेंट करना है तो वो क्या करेगा सेल रुपीज बाय वाई बेस करेंसी कौन है मेरा रूपीज मेरा बेस करेंसी है राइट सो अगर सेल रूपीज कर रहा हूं मैं तो कैन आई से आई विल बाय हेलो, आई विल तो मतलब बैंक विल बाय द रुपीज सो सेल रूपीज सो इधर में लिखूंगा इफ आई एम सेलिंग दैट इज बैंक इज बाइंग रूपीज ध्यान रखने का आई बेस करेंसी के टर्म्स में सोचा सेल रुपीस करना पड़ रहा है अपने को क्यों सेल रुपीस करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर द इम्पोर्टर वी वांट जेपी वाई तो मेरे पास तो रुपीस पड़ा है बैंक में जाऊंगा सेल करूंगा रुपीस जेपी वाई आएगा और मेरे एक्सपोर्टर को भेज दूंगा तो आज मैं सेल रुपीज कर रहा हूँ आई एम सेलिंग बैंक इज बाइंग रुपीज एट बैंक कभी भी क्या रेट पे बाय करता है बेड रेट पे तो अकॉर्डिंगली मेरा बेड रेट फाइनल हो जाएगा सो वी विल से बेटा दैट वन रुपीज इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सेवन टू सिक्स जे पी वाई अपने को चाहिए फाइव लैक जे पी वाई सो आप बताइए कितना रूपीज आएगा

अब मेरे को ऐसे ही फाइंड करना है कि अगर मैं ऑप्शन का कवर लेता हूं तो मेरा आई में कितना खर्चा होगा ये अब मेरे को इनको बताना है सो so, आ जाओ वापस से क्वेश्चन के ऊपर राइट right? आ जाओ वापस से क्वेश्चन के ऊपर एंड यस सो टू फिफ्टी थ्री फोर सेवेंटी थ्री आ गया अब मुझे देखना है कि अगर मैं करेंसी ऑप्शन लेता हूं तो क्या करूंगा अब करेंसी ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूं तो यह चीज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था टेकिंग पुट ऑप्शन मैंने क्वेश्चन रीड करते करते आइडेंटिफाई कर लिया था बट फिर भी मैं यहां पे उसको प्रॉपरली बता देता हूं करेंसी ऑप्शन मैं उसको बोल देता हूं क्या बॉस मैं ना इंपोर्टर हूं मेरे को पेमेंट करना है पेमेंट टू बी टर्न एन कौन से करेंसी में है? लोकल करेंसी में सो फॉरेक्स रेट्स इन होम या जिसको अपन बोलेंगे लोकल करेंसी में है तो इन सच सिचुएशन बेटा मैं क्या कर लूंगा बोल दो ना करेक्ट आई विल इमीजिएटली से कि फॉरेक्स रेट्स अगर होम या लोकल करेंसी में है देन इन दैट केस वी विल यूज द पुट ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या रेट पे है अपना जे वाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट जे वाई जीरो इसमें मुझे स्ट्राइक प्राइस क्या मिल रहा है इसमें मुझे स्ट्राइक प्राइस क्या मिल रहा है जेवाई टू पॉइंट वन टू फाइव जे वाई टू पॉइंट वन टू चल क्लियर तो ये एक अपना सिस्टम सेट हो गया बेटा ये एक अपना सिस्टम सेट हो गया है यहां पे चलो अब तक जो भी पढ़ा है उसको अब अपन इंप्लीमेंट करेंगे एंड यस वी आर रेडी फॉर इट गाइस यस सो देखो आ, यहां पे अपने को पता चल गया है दैट फॉरवर्ड मार्केट कवर लेता हूं तो रुपीज टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर सेवेंटी थ्री जाएगा अगर मैं करेंसी ऑप्शन लेता हूं तो स्ट्राइक प्राइस है JPY जेपी मतलब कुछ भी हो जाए आई विल बी एबल टू प्राइस तो फ्रीज होता है अब क्या हुआ है आगे क्या मेरे को स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज करना पड़ा या लैप्स हुआ ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय वी विल एक्सरसाइज लिख देता हूँ एक नोट में इफ नो इन फो गिवन देन वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन अब अगर मैं मेरे एक्सरसाइज करता हूं मेरे ऑप्शन को तो क्या हो जाएगा देखो मेरा ऑप्शन क्या है वन रुपीज इज इक्वल टू जेपी वाई टू पॉइंट वन टू फाइव मेरे को कितने जेपीवाई देने हैं फाइव लैक सो जे पी वाई फाइव लैख इज टू बी गिवन सो आप मेरे को बताओ कितने रुपीस मेरे जेब से जाएंगे फाइव लैख इन टू वन डिवाइड बाय टू पॉइंट वन टू फाइव एंड इट इज रूपीज टू थ्री फाइव टू नाइन फोर ओके टू थ्री फाइव टू नाइन फोर मेरे जेब से जाएंगे बट खाली यही जाएगा क्या साथ में प्रीमियम भी तो जाएगा वरना तो मेरा ये टू थर्टी फाइव और ये टू फिफ्टी थ्री एनी टाइम मेरा करेंसी ऑप्शन बेटर है सर प्रीमियम भी तो जाएगा so, यहां पे अपने को करना है दैट ये अगर मैंने एक्सरसाइज कर लिया सो आउटफ्लो इफ ऑप्शन एक्सरसाइज बट साथ में बट प्रीमियम ऑल्सो टू बी एडेड प्रीमियम ऑल्सो टू बी एडेड सो देखो मेरे को बताओ प्रीमियम कितना है सो so, यहां पे अपन लिखेंगे प्रीमियम का अमाउंट ठीक है प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे अपने को लिखना है ना वॉट इज गोइंग टू बी द प्रीमियम सो अपने को यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है दैट फॉर स्ट्राइक प्राइस दिस आपका प्रीमियम है पुट ऑप्शन जून जेपीवाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट मतलब मतलब अभी सब चीज रुपीज के टर्म्स में दी हुई है तो यहाँ पे भी वन रुपीज इक्वल टू जेपीवाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट सर आपको कैसे पता कि ये वन रुपीज के लिए दिया हुआ है अगेन कुछ नहीं दिया है सो दैट्स हाउ इट वर्क सो इफ नो इन गिवन प्रीमियम इज फॉर वन ठीक है ना वन रुपीज डॉलर जो भी होगा एंड यहां पे लिखा है जेपीवाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो एट मतलब इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ दी अदर करेंसी वो भी मैं लिखवा देता हूं आप लोग को बता देता हूं सिंस मतलब ये तो देखो बहुत लॉजिकल है दिखी रहा है अपने को दैट सिंस प्रीमियम इज गिवन एज जेपी वाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो एट इट मींस इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ अदर करंसी समझे सपोज एग्जाम्पल भी यहां पर दे देता हूं आपको एग्जाम्पल इफ प्रीमियम इज गिवन रूपीज थर्टी इट मीन्स इट इज इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी ठीक है ना ये खाली आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए है बाकी कुछ नहीं ये आगे मैं तुम लोगों को सब प्रोफोर्मा में लिखाऊंगा बट तो अभी भी बता रहा हूँ खाली तुम लोगों को इफ प्रीमियम इज गिवन थर्टी इट मींस इट इज इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी एग्जांपल वन डॉलर इक्वल टू ₹30 प्रीमियम ऐसा करके अभी फिलहाल अपना क्या फाइनल हुआ है बॉस अपना फाइनल हुआ है JPY 0.0 नाइन एट ये अपना फाइनल हुआ है अगर एक रुपए के लिए प्रीमियम इज इजेपी जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो एट ठीक है तो टू थर्टी फाइव टू नाइनटी फोर के लिए कितना रुपीज टू थर्टी फाइव टू नाइनटी फोर के लिए कितना बोलो बोलो चल चल ट्रे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सो टू थर्टी फाइव टू नाइनटी फोर इन पॉइंट जीरो नाइन जीरो एट जेपीवाई चाहिए तो ये आ जाएगा जेपीवाई के टर्म्स में सो टू वन थ्री सिक्स फाइव जे पी वाई ध्यान रखना इस बात को ठीक है so, सो इतना जेपीवाई आपको देना पड़ेगा एज प्रीमियम इतना जेपीवाई आपको देना पड़ेगा एज प्रीमियम तब जाके आपका टू थर्टी फाइव टू नाइनटी फोर रुपीज कवर हो जाएगा समझ गए एकदम मस्त सिस्टमेटिकली कोई टेंशन नहीं है राइट देखो इधर यही पूरा गेम चल रहा है सो so, यहां पे आप लोग का 235 294 आप लोगों ने कवर कर लिया है बाय पेइंग टी जेपीवाई एज प्रीमियम बट मेरे को तो सब चीज रुपीस में चाहिए सो देर फू वन थ्री सिक्स फाइव रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज प्रीमियम टू बी गिवन एज प्रीमियम अब मैं तो इंडिया वाला हूं मेरे पास जेपीवाई है क्या मेरे पास तो रुपीस है सो so देयरफॉर क्या करेंगे अपन सेल रुपीस बाय जेपीवाई अब अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं तो बैंक क्या करेगा करेक्ट बैंक बाय करेगा देयरफॉर बैंक विल बाय बेड रेट ये क्यों लिया क्योंकि ये ही मेरा बेस करेंसी है बिट्टा ऑलवेज थिंग बैंक विल बाय दिड रेट तो यह बेसिक चीज आपको बताओ नहीं चाहिए ऑलवेज थिंग फ्रॉम बेस करेंसी एंड फ्रॉम बैंक परसपेक्टिव क्योंकि आपको देरा बैंक है सो so, आप सेल रूपीज करेंगे बाय जेपीवाई कर देंगे नो प्रॉब्लम सर सो so, अब अपने पास जेपीवाई आ गया है टू वन थ्री सिक्स फाइव बट इसके लिए मेरे को कितना रुपीज देना पड़ा देर फर वन रुपीज अच्छा बिड रेट ना तो बिड रेट क्या है इसका स्पॉट का बैंक विल बाय एट बिड रेट स्पॉट का क्योंकि ये तो आपको आज ही देना पड़ेगा ये तो आपको स्पॉट पे आज ही देना पड़ेगा स्पॉट टुडे प्रीमियम टू बी पेड बराबर है है तो स्पॉट स्पॉट का रेट देखो जरा ये जो अपने को चाहिए स्पॉट बेड है ये जो अपने को चाहिए टन अपने को कितना जेपी भाई जेपी ओके अपने को कितना जेपीवाई चाहिए बेटा अपने को चाहिए जेपी वाई टू वन थ्री सिक्स फाइव सो आई राइट टू वन थ्री सिक्स फाइव जेपी मल्टीप्लाई एंड देखो कितना रुपीज आता है सो so, टू वन थ्री सिक्स फाइव डिवाइड बाय वन पॉइंट नाइन फाइव वन सिक्स ये आ जाता है रुपीज वन जीरो नाइन फोर सेवन so फॉर टोटल आउटफ्लो ठीक है एक तो अपना जो प्रीमियम जो अपन लोग ने पुट ऑप्शन खरीदा उसका टू थ्री फाइव टू नाइन फोर सो पुट ऑप्शन का टू थ्री फाइव टू नाइन फोर और इसका वन जीरो नाइन फोर सेवन नाइन फाइव वन सिक्स आई थिंक राउंडिंग ऑफ एरर है राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा प्रीमियम प्रीमियम देखो कितना है वन जीरो नाइन फोर सेवन टोटल देखो कितना आता है टू थर्टी फाइव टू नाइन फोर प्लस वन जीरो नाइन फोर सेवन एंड इट इज रूपीज टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी वन इनका आता है इनका आता है डिफरेंस ऑफ ये क्या है 868 900 रुपए का डिफरेंस है ये देखो पूरा यही है अपना भी 234 294 है इनका अपना 234 नहीं अपना कितना था 235 294 अब 235 294 है अपना भी टू थर्टी फाइव टू नाइनटी फोर है इंटू जीरो पॉइंट जीरो इनका भी इंटू जीरो पॉइंट मैंने क्या मत हो जाओ गुस्सा मत हो जाओ सर कब से आपको बता रहे है? सर कब से आपको बता रहे ओके ओके कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट तो सही है ना भाई फिर कहे को टेंशन नहीं ठीक ओके, ओके ठीक है अब फोर इंटू पॉइंट जीरो नाइन एट टू थ्री जीरो फाइव नाइन ओके बाकी देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा है ना I hope अभी वन वन एट वन फाइव यस गया, hmm. yes. गया बराबर हम्म सो so, देखो ध्यान रखने का भाई कि ये छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए एट वन फाइव चलो फाइनली वी है टू नाइन फोर टू फोर सेवन वन जीरो नाइन ओके अब बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे अपन सो फाइनल डिसीजन फॉरवर्ड का करेंसी ऑप्शन का करेंसी ऑप्शन का क्या है टू फोर सेवन वन जीरो नाइन फॉरवर्ड का टू फाइव टू फाइव थ्री फोर सेवन थ्री यस तो ऑप्शन इज बेटर सो देर फॉर ऑप्शन करेंसी इज अ बेटर

टर्म्स में दिया हुआ है ठीक है अब ये सारी चीजें जो अभी अपन लोग ने समझी है उसको अपन लोग प्रॉपर एक प्रोफोर्मा में लास्ट में डाल देंगे बट आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजों को वर्कआउट करते जाएंगे सो बेसिक आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा वहां पे कुछ और चीज आप लोग को बताऊंगा तो और एक लेवल पे आ जाएंगे और एक लेवल पे आ जाएंगे एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट द कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन एंड फॉर्मैट्स ठीक है प्लीज आप लोगों को कॉपी करना है कुछ लिखना है आप लोग लिख सकते हैं okay, तो कहानी को फिर अब और आगे बढ़ाते हैं जस्ट आपको एक बात बता दूं कि वही देखो एंड ऑफ द डे आप रिवाइज करने वाले हो हमारी मैजिक बुक से तो जब आप मैजिक बुक से रिवाइज करोगे तो वहां पे आपको करेंसी ऑप्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा करेंसी ऑप्शंस ओके ये रहा लेट्स गो टू है उसको मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है तो वो भी आप लोगों को बता दू सो दैट यू आर रिवाइजिंग थिंग्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम द अप्रंट आइडेंटिफाई वेदर टू टेक अ कॉल ऑप्शन और पोट ऑप्शन क्योंकि अगर यहाँ पे ही गलती हो गई देन इन दैट केस द होल सम विल गो रॉन्ग तो इसके लिए मैंने इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया है कि क्या करना आइडेंटिफाई टू टेक अ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन इम्पोर्टर है उसको बाय करना है फॉरन करेंसी एक्सपोर्टर को सेल करना है फॉरन करेंसी कब वो कॉल ऑप्शन देगा इफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन फॉर करेंसी मतलब अगर इंडिया इंपोर्टर है एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉलर के टर्म्स में डिनोटेड है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज देन इन दैट केस इट विल टेक अ कॉल ऑप्शन अदरवाइज होम करेंसी में ही डिनोमिनेटेड है

अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे अपन लोग ऑप्शन uh, कॉन्ट्रैक्ट और वो सब चीजों की बातें करेंगे चलो सो so, आ जाओ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगेन अ पार्ट ऑफ आई सी ए आई मोड्यूल एंड अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर जी हाँ आप मॉड्यूल है अगर आपके पास ऑप्टीमाइज uh, है वेली गुड ऑप्टिमाइज से कर लो अदरवाइज आपके पास अगर आईसीआई मॉड्यूल है वहां से भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो लेट्स स्टार्ट गाइज Can I start? An American firm is under obligation to pay interest of Canadian dollar 10 lakh 10,000 and Canadian dollar 7 lakh 5,000 CAN dollar on 31st of July and 30th September respectively. The firm is risk averse and its policy is to hedge the risks involved in all foreign currency transactions. मतलब अमेरिकन फर्म है वो बोलती है जरा भी रिस्क हमको लेना ही नहीं है एंड देयर फॉर इट विल एंटर इन टू अजिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग of the, of the hedging the risk considering टू methods दैट इज fixed फॉरवर्ड और ऑप्शन contracts. इट इज नाउ 30th जून फॉलोइंग कोटेशन रिगार्डिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द बैंक वर ओपटेन तो देखो क्या दिया है जीरो पॉइंट नाइन टू एट फोर पॉइंट नाइन टू एट एट पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन पॉइंट नाइन थ्री फाइव सिक्स पहली बात मैं आपको पूछता हूं आपको पता होना चाहिए कौन दोनों में स्ट्रांग करेंसी है डॉलर यूएस डॉलर स्ट्रांग है या कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग है बट ऑब्वियस यूएस डॉलर इज अ स्ट्रांगर करेंसी यूएस डॉलर इज अ स्ट्रांगर करेंसी जस्ट आपके इन्फो के लिए बता दू मैं दैट कैनेडियन डॉलर वन कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू पॉसिबली रुपीज सिक्सटी टू एंड अगर अमेरिकन डॉलर की बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सिमेटली एटी थ्री यूएस डॉलर इज अ स्ट्रॉग करेंसी अब थोड़ा दिमाग लगाओ इन्होंने देखो क्या दिया 0 मतलब क्या सुनो मैं पहले इंडियन रुपीज के टर्म से बताता हूं तो तुम लोग को थोड़ा चमकेगा फिर तुम लोग दिमाग लगा पाओगे वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी थ्री बराबर है एंड अगर यही मेरे को जब वन रुपीज लिखना होता है ना तो आता है पॉइंट जीरो वन थ्री डॉलर समझ रहे हो तो जब जीरो पॉइंट के टर्म्स में दिया हो ना तो इसका मतलब होता है कि जो बेस है मतलब यहां पे जिसका वन है जिसके टर्म्स में दिया है दैट इज द वीकर करेंसी ध्यान रखना ये बात समझ रहे हैं आप लोग यहां पे देखो पॉइंट नाइन टू एट फोर दिया है मतलब जीरो पॉइंट के टर्म्स में दिया है ना मतलब बेस में वीकर करेंसी है

नेडियन डॉलर ठीक है सो वन पर यूनिट किसका है डॉलर का दिया है एंड फिर दिया है डॉलर इक्वल टू दिस समझ में आया सो so यहां पे खाली एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको मैं लिखवा देता हूं वन केनेडियन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट नाइन टू एट फोर अपना अमरीकी डॉलर स्लैश पॉइंट नाइन टू एट एट इंडिया का डॉलर ना यूएस का डॉलर ठीक है चलो फिर वन मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है एंड थ्री मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है प्राइस फॉर अ कैनेडियन डॉलर स्लैश यूएस डॉलर ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज पेबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज कैनेडियन फिफ्टी थाउजेंड डॉलर आर एज फॉलोज अब ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज और ये सब चीजें इसमें आ रही है ध्यान से ठीक है ना तो मैंने बोला ना लेवल एक एक करके अपन बढ़ाते जाएंगे मजा आते जाएगा प्राइस फॉर कैनेडियन डॉलर स्लैश यूएस डॉलर ऑप्शन ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर हा बस लिख हाईलाइट करके रखो किधर क्या यूज करना है वो मैं बताऊंगा डोंट वरी पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज इज कैनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड हाईलाइट करके रखो कैसे क्या यूज करना है बताऊंगा डोंट वरी आर एस फॉलोज स्ट्राइक प्राइस पॉइंट नाइन थ्री अगर चाहिए जुलाई का कॉल वन पॉइंट फाइव सिक्स का प्रीमियम पे करना पड़ेगा पर प्रीमियम कितना है कितना सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर ठीक है पॉइंट नाइन फोर चाहिए इतना प्रीमियम पॉइंट नाइन फाइव चाहिए इतना प्रीमियम और अगर आपको पुट चाहिए तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओके गाइस, सो ये मेरे स्ट्राइक प्राइस है कॉल चाहिए पुट चाहिए उस हिसाब से प्रीमियम भी दिया हुआ है एंड देन वी पहले बताओ कि यहां पे अपन क्या लेंगे कॉल लेंगे या पुट लेंगे सोच समझ के बताओ कोई गाई नहीं अपने को अपने पास पूरा अपना सिस्टम रेडी है सो वी डोंट ऑल अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अपन को यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि वॉट आर वी गोइंग टू टेक कॉल और पुट अभी देखो देखो सुनो इधर क्या है सीन एन अमेरिकन इज टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर तो रिस्क किसको है अमेरिकन वाले को है कैनेडियन डॉलर में तो इनवॉइस डिनोटेड है ना चलो आओ भाई एकदम इसको है ना सिस्टमेटिकली बेस से कराना चालू करता हूं तो तुम लोग को फटाफट समझते जाएगा थर्टी सिक्स का मैं तुम्हारे को करवा रहा हूं सोल्यूशन ठीक है कभी भी मैं तो कोई भी सम चालू करता हूं ना लिख ही लेता हूं भाई कौन इंपोर्टर है कौन एक्सपोर्टर है इनवॉइस कौन सी करेंसी का है एंड यहां पे करेंसी मैनेजमेंट रिस्क किसका है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट सो इंपोर्टर कौन है अमेरिकन फर्म इज अंडर टू पे इंटरेस्ट पे जिसको करना है वो इंपोर्टर हुआ, तो ये इंटरेस्ट मतलब पे, पे, पे करना है अमेरिकन वाले को अपन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के टर्म्स में बोले एक ही बात है इनवॉइस Invoice, दो इनवॉय यहाँ पे पे करना है डॉलर कैनेडियन डॉलर टेन लाख टेन थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई एक अच्छा पॉइंट है भाई डॉलर कैनेडियन डॉलर दस लाख दस हजार और दूसरा कनेडियन डॉलर सात लाख पांच हजार सात लाख पांच हजार अच्छा डेट्स क्या है थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टीए सितंबर थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टीए सितंबर नेक्स्ट द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फॉर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द ट्रांजेक्शन वो सब ठीक है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट इन शॉर्ट किसका हुआ अगर इनवॉइस कैनेडियन डॉलर में है करेक्ट करेक्ट तो करेंसी रिस्क हुआ अमेरिका वाले का सो अमेरिकन डॉलर जो मेरा इंपोर्टर है ठीक है क्यों मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं मेरे उस फॉर्मेट के लिए बेटा अब मेरा वो फॉर्मेट में मैं सेट करने की कोशिश करूंगा ना बस उसी के लिए मैंने ये करवाया है तुम लोग को समझ में आ गया भाई मुझे यहां पे आइडेंटिफाई करना है ना क्या के कॉल आएगा या पुट तो मैं इधर जाता हूं मेरे आहा फॉर्मेट के ऊपर तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बॉस बहुत इंपोर्टर है ठीक है अगर इंपोर्टर है तो देखो कौन से करेंसी में आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कनेडियन डॉलर इट इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ कनेडियन डॉलर तो अगर कनेडियन डॉलर के टर्म्स में दिया हुआ है आपको करेंसी सो वी विल राइट येट करेंसी कोटेशन इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर दैट इज अब देखो अमेरिकन एक्सपोर्ट इम्पोर्टर के हिसाब से सोच रहे हो तो वो क्या हो गया दैट इज इन फॉरन करेंसी टर्म्स भाई अमेरिकन के लिए तो वो फॉरन करेंसी हुआ ना अगर वन डॉलर इज इक्वल टू फाइव कनेडियन डॉलर के टर्म्स में दिया होता तो वो लोकल करेंसी हो जाता क्योंकि अभी अपन लोग किसके एंगल से सोच रहे हैं सब कुछ करेक्ट अमेरिकन डॉलर इंपोर्टर के एंगल से उसका रिस्क है सो करेंसी कोटेशन इज इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर ट इज इन फॉरन करेंसी सर्म्स देर अब आ जाओ यहां पे इंपोर्टर है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में है क्या लोगे आप यू विल टेक अ कॉल ऑप्शन करेक्ट आप लोगे देर फर देर फर देर फर वी विल टेक अ कॉल ऑप्शन अब तक तो मैंने पूरा सम नहीं पढ़ा है बट इधर ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट बॉस करेंसी ऑप्शंस कर रहा हूं मुझे ये तो पता चले कि मुझे क्या लेना है कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन मेरे को लेना है कॉल ऑप्शन तो सर किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है ये जो आप लोग को क्वेश्चन में करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ये करेंसी के कोटेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा अगेन आई एम टेलिंग यू ये जो उन्होंने करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है ना ये जो उन्होंने करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा सिंपल और ये मैंने तुम लोगों को लॉजिकली भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये देखो करेंसी के कोटेशन के बेसिस पे अपने को पता चलता है यार ऊपर गया तो मेरे को क्या होगा फायदा होगा नुकसान होगा नीचे गया तो क्या होगा मतलब बहुत सारे मैंने तुम्हारे को यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए थे राइट यहाँ पे तुम लोग को जब मैं अभी समझा रहा था यहाँ पे जब मैं समझा रहा था तो तुम लोगों को मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे तो ये करेंसी कोटेशन के बेसिस पे इफ करेंसी रेट के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करना है सिंपल ओके क्लियर है एवरीबॉडी सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स तो ये रहा फॉरेक्स रेट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी सो फॉरेक्स रेट्स जिस करेंसी में फॉरेक्स रेट्स बोल लो या इसको फ़ॉरेक्स कोटेशन बोल लो फ़ॉरेक्स रेट्स या इसको फ़ॉरेक्स कोटेशन बोल लो फ़ॉरेक्स so, रेट्स या फ़ॉरेक्स कोटेशन बोल लो सो दैट मीन्स के फॉरेक्स yeah, टेशन यहां पे लोग ने में कर लिया है बेटा क्या के इट इज इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर रिस्क अमेरिकन का है तो उसके लिए डॉलर क्या हुआ फॉरेन करेंसी सो कोटेशन इज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंपोर्टर है कॉल ऑप्शन लेगा वो बात खत्म फुल स्टॉप हो गया अपना ये पार्ट क्लियर तो चलो भाई कॉल ऑप्शन लेना है वो तो अपने को क्लियर हो गया अब आगे क्वेश्चन में देखो अभी आगे क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शन आर टू बी यूज वन मंथ ऑप्शन शुड बी वॉट एट अट्राइक प्राइस ऑफ नाइन्टी फोर सेंट अब तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो बराबर से यहां पर देखो उसने क्या बोला है टूडे इज जून क्वेश्चन में अगर आप लोग ने देखा होगा ना इट इज नाउ जून थर्टी इट इज नाउ जून थर्टी सो टूडे इज जून थर्टी अगर आज जून 30 है देन इन दैट केस ध्यान से समझना आपको यहां पे देखो क्या बोला है टू पे इंटरेस्ट कैनेडियन डॉलर ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई मतलब एक महीने बाद इफ ऑप्शन आर टू बी यूज वन मंथ ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ नाइनटी फोर सेंट मतलब यहां पे ये वाले के लिए मेरे को एक्सरसाइज प्राइस नाइनटी फोर सेंट का लेना है ये वाले के लिए मेरे को एक्सरसाइज प्राइस 94 सेंट्स का लेना है समझ रहे हो आप लोग भाई क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है पे और, और, और दूसरा, दूसरा क्या बोला है वो लोग मंथ ऑप्शन क्वेश्चन में उसने वो भी दे दिया है बॉस कि यहां पे अपने को एक्सरसाइज प्राइस लेना है ऑफ नाइनटी फाइव Of 95 cents gotcha एवरीबॉडी देखो अब मैं इसको सिस्टमैटिकली नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं भाई के टुडे थर्टी जून वन मंथ थ्री मंथ मंथ वन मंथ वाले के लिए क्या बोल रहा है वो नाइन्टी फोर सेंट का एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज कर दो भाई एंड थ्री मंथ के बाद नाइन्टी फाइव सेंट का एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज कर दो Okay. Done, guys. अब अपने पास पूरी तरह से ओपन है अब सुनो अपने को क्या बोला है उसमें अपन ने तो कॉल ऑप्शन फाइनल कर ही लिया है भैया जी अपन ने तो कॉल ऑप्शन फाइनल कर ही लिया है तो पुट को माइनस मतलब दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई अ क्वेश्चन इतने सारे चीजें थी उसमें से अभी लोग को पता चल गया चल भाई वटा तेरी जरूरत ही नहीं है इसमें भी नाइनटी थ्री वाला अभी अपने को चाहिए ही नहीं अपने क्या बोला टू समझ रहे हैं कि आप लोग सो यहाँ पे इसको थोड़ा चाहिए तो करके नीचे ले लेता हूं मैं सो यहाँ पे जब नाइनटी फोर सेंस का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है तो बेटा वो अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है वो अपने को प्रीमियम बोल रहा है 1.02 एंड यहां पे यहां पे कितना बोल रहा है वो यहां पे वो अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है बेटा 1.64 1.64 समझ में आ गई बातें हाँ बेटा जी ओके okay, तो कहानी को फिर अब और आगे बढ़ाते जस्ट आपको एक बात बता दूं कि भाई देखो एंड ऑफ द डे आप रिवाइज करने वाले हो हमारी मैजिक बुक से तो जब आप मैजिक बुक से रिवाइज करोगे तो वहां पे आपको करेंसी ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा करेंसी okay. so, तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है तो वो भी आप लोगों को बता दू सो दैट वेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम द अप फ्रंट आईडेंटिफाई वेदर टू टेक अल ऑप्शन और पोट ऑप्शन क्योंकि अगर यहाँ पे ही गलती हो गई इन दैट केस द होल सम विल गो रॉन्ग तो इसके लिए मैंने इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया है कि क्या करना है आइडेंटिफाई टू टेक अल ऑप्शन या पोर्ट ऑप्शन इंपोर्टर है उसको बाय करना है फॉरन करेंसी एक्सपोर्टर को सेल करना है फॉरन करेंसी कब वो कॉल ऑप्शन देगा इफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन फॉरन करेंसी ठीक है मतलब अगर इंडिया इंपोर्टर है एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉलर के टर्म्स में डिनोटेड है वन डॉलर इक्वल टू रूपीज

उसमें उसने दिया हुआ था दैट इक्वल टू टू पॉइंट करेंसी में था बराबर है तो इसके लिए अपन लोग ने लिया था पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन यहां पे मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज इन रूपीज एंड अगर समझो प्रीमियम दिया है पॉइंट एट फाइव यूरो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इन डॉलर समझ रहे हो तुम लोग सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके बेसिस पे अपने को समझ में आ गया है कॉल लेना है पुट लेना है अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे अपन लोग ऑप्शंस uh, कॉन्ट्रैक्ट और वो सब चीजों की बातें करेंगे चलो सो so, आज जाओ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगेन अ पार्ट ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल एंड अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर जी हां आप मॉड्यूल है अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड uh, है वेलिंग गुड ऑप्टिमाइज से कर लो इज आपके पास अगर आईसीआई मॉड्यूल है वहां से भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो लेट स्टार्ट गाइज करें स्टार्ट एन अमेरिकन फॉर्म इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर टेन लैख टेन थाउजेंड एंड कैनेडियन डॉलर सेवन लैख फाइव थाउजेंड कैन डॉलर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई एंड थर्टियप्टेंबर रिस्पेक्टिवली

और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज नाउ थर्टी जून फॉलोइंग कोटेशन रिगार्डिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द बैंक वर ऑपटेन तो देखो क्या दिया है जीरो पॉइंट नाइन टू एट फोर पॉइंट नाइन टू एट एट पॉइंट नाइन थ्री जीरो सिक्स पहली बात में आपको पूछता हूं आपको पता होना चाहिए कौन दोनों में स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर यूएस डॉलर स्ट्रॉग है या कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉग है डॉलर डॉलर आपके इन्फो के लिए बता दू मैं दैट कैनेडियन डॉलर वन कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू पॉसिबली रुपीज सिक्सटी टू एंड अगर अमेरिकन डॉलर की बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली एटी थ्री यूएस डॉलर इज अट्रॉन्ग करेंसी थोड़ा दिमाग लगाओ इन्होंने देखो क्या दिया है 0.9284 मतलब क्या सुनो मैं पहले इंडियन रुपीस के टर्म्स में बताता हूं तो तुम लोग को थोड़ा चमकेगा फिर तुम लोग दिमाग लगा पाओगे 1 डॉलर इक्वल टू रुपीस 83 बराबर बड़ है एंड अगर यही मेरे को जब 1 रुपीस लिखना होता है ना तो आता है 0.013 डॉलर समझ रहे हो तो जब जीरो पॉइंट के टर्म्स में दिया हो ना तो इसका मतलब होता है कि जो बेस है मतलब यहां पे जिसका वन है जिसके टर्म्स में दिया है दैट इज़ द वीकर करेंसी ध्यान रखना ये बात समझ रहे हैं आप लोग यहां पे देखो पॉइंट नाइन टू एट फोर दिया है मतलब जीरो पॉइंट के टर्म्स में दिया है ना मतलब बेस में वीकर करेंसी है मतलब वन कनेडियन डॉलर के टर्म्स में ये चीज दी हुई है गेटिंग माई पॉइंट यही होता अगर वन पॉइंट वन थ्री फोर स्लैश वन पॉइंट वन थ्री सिक्स तो इसका मतलब यूएस डॉलर के टर्म्स में दिया होता क्योंकि वन से ज्यादा है ना तो करेंसी इज एट द बेस बेस मतलब पर यूनिट टर्म्स में किसका दिया है पॉइंट नाइन टू एट फोर मतलब वन से कम है जीरो पॉइंट के टर्म्स में दिया हुआ है ना तो इसका मतलब द वीक करेंसी कैनेडियन डॉलर ठीक है सो वन पर यूनिट किसका है कैनेडियन डॉलर का दिया है एंड फिर दिया है वन कैनेडियन डॉलर इक्वल टू दिस समझ में आया so, यहां पे खाली एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको मैं लिखवा देता हूं वन कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट नाइन टू एट फोर अपना अमरीकी डॉलर स्लैश पॉइंट नाइन टू एट एट इंडिया का डॉलर अपना यूएस का डॉलर ठीक है चलो फिर वन मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है एंड थ्री मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है फॉर अ कैनेडियन डॉलर स्लैश यूएस डॉलर ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज पेबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज कैनेडियन फिफ्टी थाउजेंड डॉलर आर एज फॉलोस अब ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज और ये सब चीजें इसमें आ रही है ध्यान से ठीक है ना तो मैंने बोला ना लेवल एक एक करके अपन बढ़ाते जाएंगे मजा आते जाएगा इस फॉर कैनेडियन डॉलर स्लैश यूएस डॉलर ऑप्शन ऑन अस स्टॉक एक्सचेंज सेंट पर डॉलर क्या यूज करना है वो मैं बताऊंगा डोन्ट वरी पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज इज कैनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड हाईलाइट करके रखो कैसे क्या यूज करना है बताऊंगा मैं डोंट वरी आर एज फॉलोज स्ट्राइक प्राइस पॉइंट नाइन थ्री अगर चाहिए जुलाई का कॉल वन पॉइंट फाइव सिक्स का प्रीमियम पे करना पड़ेगा पर पर प्रीमियम कितना है? कितना है सेंट्स कैनेडियन है पॉइंट नाइन फोर चाहिए इतना प्रीमियम पॉइंट नाइन फाइव चाहिए इतना प्रीमियम और अगर आपको पुट चाहिए तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओके गाइस सो ये मेरे स्ट्राइक प्राइसेस है कॉल चाहिए पुट चाहिए उस हिसाब से प्रीमियम भी दिया हुआ है एंड देन वी हैव टू डिसाइड अब आप मेरे को पहले बताओ कि यहां पे अपन क्या लेंगे कॉल लेंगे या पुट लेंगे सोच समझ के बताओ कोई घाई नहीं अपने को अपने पास पूरा अपना सिस्टम रेडी है सो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अपन को यहां पे डिसाइड करना है कि व्हाट आर वी गोइंग टू टेक चलो आओ भाई एकदम इसको सिस्टमेटिकली बेस से कराना चालू करता हूँ तो तुम लोग को फटाफट समझते जाएगा क्वेश्चन थर्टी सिक्स का मैं तुम्हारे को करवा रहा हूँ सोल्यूशन ठीक है कभी भी मैं तो कोई भी सम चालू करता हूं ना लिख ही लेता हूं भाई कौन इंपोर्टर है कौन एक्सपोर्टर है इन कौन सी करेंसी का है एंड यहां पे करेंसी मैनेजमेंट रिस्क किसका है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट सो so, अब इंपोर्टर कौन है अमेरिकन फर्म इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट सो so पे जिसको करना है वो इंपोर्टर हुआ तो ये अमेरिकन मतलब डॉलर वाला हुआ एक्सपोर्टर कनेडियन हुआ अब यहां पे इंटरेस्ट पे करना है हो सकता है ये Canada वाले ने इसको लोन दिया होगा और इंटरेस्ट पे करना है अमेरिकन वाले को दैट्स ओके अपन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के टर्म्स में बोले एक ही बात है इनवॉइस Invoice, दो इनवॉयसेस यहां पे पे करना है डॉलर कैनेडियन डॉलर टेन लाख टेन थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई सो ये एक अच्छा पॉइंट है भाई डॉलर कैनेडियन डॉलर दस लाख दस हजार और दूसरा कनेडियन डॉलर सात लाख पांच हजार सात लाख पांच हजार अच्छा डेट्स क्या है थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टीए सितंबर थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टीए सितंबर नेक्स्ट द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फॉर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द ट्रांजेक्शन वो सब ठीक है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट इन शॉर्ट किसका हुआ अगर इन्वाइस कनेडियन डॉलर में है करेक्ट करेक्ट तो करेंसी रिस्क हुआ अमेरिका वाले का सो अमेरिकन डॉलर जो मेरा इंपोर्टर है ठीक है क्यों मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं मेरे उस फॉर्मेट के लिए बच्चा अब मेरा वो फॉर्मेट में मैं सेट करने की कोशिश करूंगा ना बस उसी के लिए मैंने ये करवाया है तुम लोग को समझ में आ गया भाई मुझे यहां पे आइडेंटिफाई करना है ना क्या के कॉल आएगा या पुट तो मैं इधर जाता हूं मेरे आहा फॉर्मेट के ऊपर तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बॉस ये इंपोर्टर है ठीक है अगर इंपोर्टर है तो देखो कौन से करेंसी में आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर तो अगर कनेडियन डॉलर के टर्म्स में दिया हुआ है आपको करेंसी सो वी विल राइट दैट करेंसी कोटेशन इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर दैट इज अब देखो अमेरिकन एक्सपो इंपोर्टर के हिसाब से सोच रहे हो तो वो क्या हो गया दैट इज इन फॉरेन करेंसी टर्म्स भाई अमेरिकन के लिए तो वो फॉरेन करेंसी हुआ ना अगर वन डॉलर इज इक्वल टू फाइव कनेडियन डॉलर के टर्म्स में दिया होता तो वो लोकल करेंसी हो जाता क्योंकि क्य। 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 अभी अपन लोग किसके एंगल से सोच रहे हैं सब कुछ करेक्ट अमेरिकन डॉलर इंपोर्टर के एंगल से उसका रिस्क है सो करेंसी कोटेशन इज इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर दैट इज इन फॉरन करेंसी टर्म्स अब आ जाओ यहां पे इंपोर्टर है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में है क्या लोगे आप यू विल टेक अ कॉल ऑप्शन करेक्ट आप लोगे वी विल टेक अ कॉल ऑप्शन अब तक तो मैंने पूरा सम नहीं पढ़ा है बट इधर ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट बॉस करेंसी ऑप्शंस कर रहा हूं मुझे ये तो पता चले कि मुझे क्या लेना है कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन मेरे को लेना है कॉल ऑप्शन तो सर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ये करेंसी के कोटेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा अगे जो उन्होंने करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है ना ये जो उन्होंने करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे डिसाइड होगा

ओके क्लियर है एवरीबॉडी सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स तो दिस्टम वर्क फॉरक्स रेट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी सो फॉरेक्स रेट्स जिस करेंसी में फॉरेक्स रेट्स बोल लो या इसको फॉरेक्स कोटेशन बोल लो फॉरेक्स रेट्स या इसको फॉरेक्स कोटेशन बोल लो फॉर एक्स रेट्स फॉर एक्स कोटेशन बोल लो सो दैट मीन्स के फॉर एक्स कोटेशन यहां पर अपने लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया है बेटा क्या के इट इज इन टर्म्स ऑफ वन कनेडियन डॉलर रिस्क अमेरिकन का है तो उसके लिए कनेडियन डॉलर क्या हुआ फॉरन करेंसी सो कोटेशन इज इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी इंपोर्टर है कॉल ऑप्शन लेगा वो बात खत्म फुल स्टॉप हो गया अपना ये पार्ट क्लियर तो चलो भाई कॉल ऑप्शन लेना है वो तो अपने को क्लियर हो गया अब आगे आगे क्वेश्चन में देखो अभी क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ नाइनटी फोर सेंट्स अब तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो बराबर से यहां पे देखो उसने क्या बोला है टुडे इज जून क्वेश्चन में अगर आप लोग ने देखा होगा ना इट इज नाउ जून थर्टी इट इज नाउ जून थर्टी सो टूडे इज जून थर्टी अब अगर आज जून थर्टी है देन इन दैट केस ध्यान से समझना आपको यहां पे देखो क्या बोला है टू पे इंटरेस्ट कैनेडियन डॉलर ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई मतलब एक महीने बाद

और, और, और दूसरा दूसरा क्या बोला है वो लोग ने एंड थ्री मंथ ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ऑफ तो क्वेश्चन में उसने वो भी दे दिया है बॉस कि यहां पे अपने को एक्सरसाइज प्राइस लेना है ऑफ नाइनटी फाइव सेंट ऑफ नाइन्टी फाइव सेंट गॉचा एवरीबॉडी देखो अब मैं इसको सिस्टमैटिकली नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं भाई के टुडे थर्टी जून वन मंथ थ्री मंथ वन मंथ थ्री मंथ वन मंथ वाले के लिए क्या बोल रहा है वो 94 फोर का एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज कर दो भाई एंड थ्री मंथ के बाद नाइन्टी फाइव सेंट्स का एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज कर दो दोके okay? डन गाइस सम अब अपने पास पूरी तरह से ओपन है अब सुनो अपने को क्या बोला है उसमें अपन ने तो कॉल ऑप्शन फाइनल कर ही लिया है भैया जी अपन ने तो कॉल ऑप्शन फाइनल कर ही लिया है तो पुट को माइनस मतलब दिस इज हाउ यू सिंपलीफाई अ क्वेश्चन इतने सारे चीजें थी उसमें से अभी अपन लोग को पता चल गया चल भाई वटा तेरी जरूरत ही नहीं है इसमें भी ये 93 वाला अभी अपने को चाहिए ही नहीं अपने को खाली चाहिए जुलाई का एक और एक सितंबर का भाई 94 सेंस जुलाई का सो so, इसके लिए देखो उसने क्या बोला है प्रीमियम वन पॉइंट जीरो टू समझ रहे हैं क्या आप लोग सो so, पे इसको थोड़ा चाहिए तो करके नीचे ले लेता हूं मैं सो so, यहाँ पे जब नाइनटी फोर सेंट का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है तो बेटा वो अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है वो अपने को प्रीमियम बोल रहा है वन पॉइंट जीरो टू एंड यहाँ पे यहाँ पे कितना बोल रहा है वो यहाँ पे वो अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है बेटा 1 .64, 1 .64, समझ में आ गई बातें हाँ इंफॉर्मेशन so, लिख के वॉट वी हैव डन इज वी मेरा एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वन मंथ एक्सपायरी एंड थ्री मंथ एक्सपायरी आ गया प्रीमियम प्राइस ऑफ मेरा वन मंथ एक्सपायरी एंड मंथ एक्सपायरी आ गया बस अब इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है एंड नाउट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आ जाओ देखो so, देखो कितनी सारी चीजें ये पूरा कट हो गया ये ये सब चीजें कट हो गई फालतू की अब अपने पास बचा है खाली जो रेलिवेंट है वो तो वो अब मैं इसको पूरी तरह से कर देता हूं ठीक है नाउ रिस्टार्ट

Uh, यहां पे बहुत स्पेसिफिकली उसने बोला है दैट कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड कनेडियन डॉलर अपने को पेमेंट कितना करना है फर्स्ट फेज में टेन लैक टेन थाउजेंड कनेडियन डॉलर तो इसका मतलब क्या हुआ देखो इधर पूरा फर्स्ट मंथ वाले का एक ही उसमें कर लेता हूं मैं तो फर्स्ट मंथ का जो है मेरा दैट इज ऑफ थर्टी फर्स्ट जुलाई दैट इज ऑफ थर्टी फर्स्ट जुलाई अब अगर यह थर्टी फर्स्ट जुलाई का गेम है देन इन दैट केस आई विल से बाई टोटल कनेडियन डॉलर टेन लैक टेन थाउजेंड है बट वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ कनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड इसका मतलब क्या हुआ देर फर टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट आएगा समझते हो ना तुम लोग भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर पचास हजार आ सकता है टोटल अपने को डॉलर टेन लाख टेन थाउजेंड करेंसी ऑप्शन से हेज करना है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट का हो पाएगा इसमें अपने को डॉलर टेन लाख टेन थाउजेंड डिवाइड बाय कनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड इक्वल टू टेन लाख टेन थाउजेंड डिवाइड बाय फिफ्टी थाउजेंड एंड ये आता है ट्वेंटी पॉइंट टू जीरो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली ये राउंडिंग ऑफ को अपने को क्या करना है इस राउंडिंग ऑफ को उन्होंने बोला है फॉरवर्ड रेट एज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉट सो देर फॉर वॉट वी विल डू इज ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे पॉइंट टू वाला जो है उसको फॉरवर्ड के थ्रू करेंगे So, इसका मतलब क्या हुआ डॉलर टेन लाख थ्रू ऑप्शन एंड डॉलर टेन थाउजेंड कैनेडियन डॉलर लिखो भाई आगे डॉलर टेन थाउजेंड थ्रू फॉरवर्ड और इसको भी चाहिए तो यहां पे मैं स्प्लिट कर देता हूं इसको भी चाहिए तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करके इधर लिख देता हूं कि भाई ये कैसे आया सो ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट इंटू डॉलर फिफ्टी थाउजेंड पर कॉन्ट्रैक्ट डॉलर फिफ्टी थाउजेंड पर कॉन्ट्रैक्ट जे बात अरे बाबा जे बात समझ में आई बात एकदम मस्त में सेम टू सेम चीज सितंबर वाले के लिए भी जो थ्री मंथ एक्सपायरी है उसके लिए भी अपन कर सकते हैं अब एकदम इजी पीजी हो गया अपने लिए चीजें गॉट इट गाइस चलो अब इसको इसका कैलकुलेशंस भी बता देता हूं मैं तो एक अपना पूरा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर अगर डॉलर टेन थाउजेंड को तो फॉरवर्ड मार्केट में सेटल करना है वो बाहर हो गया अब आ गया मैं मेरा कनेडियन डॉलर ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो समझो अब यहाँ पे मेरे पास ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट है वन मंथ एक्सपायरी का ही गेम चल रहा है मेरा तो वन मंथ एक्सपायरी का गेम है ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट है सो ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कितना हुआ टेन लाख कनेडियन डॉलर टेन लाख कनेडियन डॉलर और एक कनेडियन डॉलर आई मीन एक कॉन्ट्रैक्ट पचास हजार का है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैंने तो फाइनल कर लिया है क्या कि भाई अगर यहां पे होता है तो पॉइंट नाइन फोर सेंट मेरे को पे करना है अब मार्केट ऊपर गया क्या नीचे में एक्सरसाइज करूं कि नहीं कुछ बोला ही नहीं है तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था इफ नथिंग इज सेड आप बाय डिफॉल्ट एक्सरसाइज करोगे आप डिफॉल्ट एक्सरसाइज करोगे तो क्या पॉइंट के हिसाब से मतलब 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 देरफर देखो क्या बोला है वन कितना बोला है पॉइंट नाइन फोर का मेरा यहां पे पेमेंट जाएगा किसके सामने सो वन कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट नाइन फोर यूएस डॉलर मेरे को पे करना पड़ेगा यूएस डॉलर मेरे को पे करना पड़ेगा ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है तो स्ट्राइक प्राइस इस हिसाब से मेरा है पॉइंट नाइन फोर करेक्ट सो आई एक कनेडियन डॉलर के सामने अगर पॉइंट नाइन फोर यूएस डॉलर का मेरा स्ट्राइक प्राइस है मतलब ये मैंने फ्रीज कर दिया है प्राइस मेरे लिए तो मतलब अगर दस लाख कनेडियन डॉलर जाता है तो कितना आ जाएगा बोलो बोलो चल चल इट इज इट इज यूएस डॉलर नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड इट इज यूएस डॉलर नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड समझ में आ रहा है आपको एवरीवन गॉट इट सो डॉलर नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड तो कंफर्म गया प्लस जैसा लास्ट टाइम बात हुआ था अपना प्लस प्रीमियम भी जाएगा अब इसका जो प्रीमियम कैलकुलेशन है ना वो इतना इजी नहीं है ध्यान से समझदा मतलब प्रीमियम कैलकुलेशन में बड़ी बात नहीं है बट उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सही है ध्यान से सुनना बेटा एंड दैट इज ये देखो ये रहा अगर मेरे को जुलाई का ये पॉइंट नाइन फोर का स्ट्राइक प्राइस मैंने फ्रीज किया है तो मेरे को जुलाई का प्रीमियम कितना पे करना है वन पॉइंट पर कैनेडियन डॉलर बराबर है अब इसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन करते हैं अपन इंडियन पैसों के टर्म्स में अब इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है क्या प्राइस फॉर कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर ऑप्शन ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन आर एस फॉलोज तो कितना 1.02 पॉइंट जीरो टू सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर पे करना है सो प्रीमियम कितना पे करना है वन कैनेडियन डॉलर के सामने वन कैनेडियन डॉलर के सामने टू वन पॉइंट ये सेंट्स क्या होता है अब सुनो वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंट्स मतलब इतना बारीक चीज है ना इस क्वेश्चन में एज अ स्टूडेंट दिखेगा नहीं आप क्या करोगे पता है एज अ स्टूडेंट हाँ 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 ये हो गया ठीक है हाँ 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 ये 1.02 है हाँ 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 किया हो गया अरे कैसे हो गया भाई इसके पीछे का लॉजिक तो देखो ये है 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 100 सेंट्स बराबर है तो 1.02 पॉइंट कितना यूएस डॉलर हुआ क्योंकि अब तक अपन लोग तो सब यूएस डॉलर के टर्म्स में कर रहे हैं तो अपन लोग करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो कितना आता है इट विल बी वन पॉइंट जीरो टू इंटू वन अपॉन हंड्रेड तो कितना आता है देखो जरा वन पॉइंट जीरो टू इन टू वन डिवाइड बाई हंड्रेड एंड दैट इज डॉलर पॉइंट जीरो वन जीरो समझे सो आपको प्रीमियम कितना पे करना है कितना पे करना है करेक्ट वन पॉइंट जीरो टू सेंट इज इक्वल टू यूएस डॉलर वन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो टू सो देर फर वन कनेडियन डॉलर इक्वल टू यूएस डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो राइट राइट अब यहां पर वही बोलना पड़ेगा आपने को भैया क्या इफ वन कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो वन जीरो टू यूएस डॉलर तो अपने को कितना कनेडियन डॉलर चाहिए भैया दस लाख सो so, दस लाख कनेडियन डॉलर के लिए कितना प्रीमियम जाएगा करो सो टेन लाख इन पॉइंट जीरो वन जीरो टू एंड दैट इज दैट इज यूएस डॉलर टेन थाउजेंड टू हंड्रेड तो ये आ गया मेरा प्रीमियम प्रीमियम कितना आ गया यूएस डॉलर टेन थाउजेंड टू हंड्रेड सो इन शॉर्ट इन शॉर्ट ऑपशन के थ्रू फॉर वन मंथ एक्सपायरी मेरा नाइन फिफ्टी टू हंड्रेड जा रहा है बट अभी भी दस हजार डॉलर का एक्सपोजर फॉरवर्ड के थ्रू कंप्लीट होना बाकी है वो भी कर लेते हैं ना यार प्लीज सो सो टोटल आउटले टोटल आउटले वन मंथ एक्सपायरी का एकदम डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक एक चीज पता होनी चाहिए आपको राइट So, यहां पे फर्स्ट जो डॉलर कैनेडियन डॉलर टेन लाख है उसके लिए कितना यूएस डॉलर गया मेरे को तो मेरी करेंसी में सब कन्वर्ट करना है ना डॉलर नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड गया प्रीमियम जो पे किया उसके लिए कितना गया ये ये वापस से थोड़ा सुनना आप लोग अगर आप लोगों को प्रीमियम में डाउट गया तो ठीक है एक कैनेडियन डॉलर के लिए पॉइंट जीरो वन जीरो पे कर रहा है तो दस लाख कैनेडियन डॉलर के लिए दस हजार यूएस डॉलर पे करना पड़ेगा ना दस हजार दो सौ यूएस डॉलर बराबर के नहीं प्लस फॉरवर्ड कितने के लिए टेन थाउजेंड डॉलर के लिए तो अभी देखो यहाँ पे क्या कैसे फॉरवर्ड का क्या करेंगे आ जाओ यहां पे क्वेश्चन पे ओ no. डायरेक्टली oh, वो लोग लो ने दे दिया है वन मंथ फॉरवर्ड एंड दैट इज पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन ओ हो इसमें बाय आस का मचमच -मच नहीं दिया तुम लोग बच गए सो so, यहां पे वी विल राइट डाउन वन कनेडियन डॉलर इक्वल टू पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन यूएस डॉलर तो अगर आ, दस हजार है ना कनेडियन डॉलर जो अपन लोग कनेडियन डॉलर दस हजार फॉरवर्ड एक्सपोजर पे डाला है तो दस हजार कनेडियन डॉलर के लिए कितना सो पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन इंटू टेन थाउजेंड एंड इट इज यूएस डॉलर नाइन थ्री जीरो वन यूएस डॉलर नाइन थ्री जीरो वन एंड फाइनली 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 अपने को पता चल गया है टोटल आउटफ्लो अगर मैं ये लेता हूं तो कितना होता है नाइन फोर्टी दस हजार दो नाइन थ्री जीरो वन नाइन फिफ्टी नाइन फाइव जीरो वन मेरे जेब से जाएगा समझ में आई बात वेरी गुड शाबाश और अगर यही मैं फॉरवर्ड लेता हूं तो सर क्यों कर रहे हो फॉरवर्ड बिकॉज़ डायरेक्टली दे दिया है तो यार इजीली हो जाता है ना तो इट विल बी डॉलर टेन लैक टेन थाउजेंड इंटू सीधा सीधा पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन से मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है इंटू पॉइंट नाइन थ्री जीरो वन सो आता है यूएस डॉलर नाइन थ्री नाइन फोर जीरो वन और मैं आपको एक बात बोलूं मेरे लिए बेटर है कि मैं फॉरवर्ड जाऊं करेंसी ऑप्शन के झंझट में ना पड़ूं तो इट कैन बी आइदर वे बट समझ में आया मजा आया करने में सुपर ठीक मतलब है ना सिस्टमैटिकली किया है मैंने सिस्टमैटिकली मतलब एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताया अब देखो अब ये समझाने के लिए था हो सकता है एग्जाम टाइम तक आप लोग और इसको दो या तीन बार रिवाइज कर लोगे जब आप दो-तीन बार रिवाइज कर लोगे तो आप एक खुद

मेरा ये वन मंथ वाला कंप्लीट हुआ एक्सपेक्ट मैं करूंगा कि क्या आप लोग अभी ये थ्री मंथ वाला खुद से कर लेंगे एज अ होमवर्क हंड्रेड एंड वन परसेंट कर ही पाएंगे और ये आईसीआई के मॉड्यूल का समय ऑप्टिमाइज का समय तो सब है आपके पास सोल्यूशन भी अवेलेबल है ऑल यू जस्ट अप्लाई वट एवर बीन थॉट आपके लिए इसीलिए छोड़ रहा हूं सो दैट यस यू ऑल्सो गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स ऑफ हाउ इट इज टू बी डन वैसे भी अपन लोग ने ये तो फाइनल कर ही लिया है कि कॉल लेना है और वो भी कौन सा वाला 1.64 वाला वो भी अपना स्ट्राइक प्राइस तो क्लियर है क्या पॉइंट नाइन फाइव जस्ट एप्लीकेशन करना है दैट्स इट चीजें सब अपने पास नंबर्स ऑलमोस्ट सब रेडी ही है ठीक है नहीं डॉलर सेवन लैक फाइव थाउजेंड है उसको डिवाइड कर लो ट्वेंटी थाउजेंड के साथ फिफ्टी थाउजेंड के साथ तो आता है फोर्टीन पॉइंट वन मतलब चौदह कॉन्ट्रैक्ट लेंगे बाकी का ये देखो ये, ये चौदह कॉन्ट्रैक्ट लेंगे बाकी का डॉलर फाइव थाउजेंड फॉरवर्ड मार्केट में बस सर अब हमारे लिए भी कुछ छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो इसी के साथ ये आईसीए का और एक सम कंप्लीट यहां पे एक लेवल और ऊपर गए आइडेंटिफाई किया कॉल और पुट ऑप्शन को और स्ट्राइक uh, प्राइस uh, दिया था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया था तो कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो निकालना सीखे अपन लोग एंड उस बेसिस पे अपने को पता चला कि कितना अपना प्रीमियम भी जाएगा और बाकी का फॉरवर्ड मार्केट में वो कनेक्ट हो जाएगा समझ तो ये वाले क्वेश्चन से अपन लोग ने लॉट साइज निकालना सीखा ठीक है ये देखो इधर अगर आप मैजिक बुक का ये खोलेंगे तो सी कैसे अपन लोग ने लॉट साइज निकाला कैनेडियन डॉलर टेन लैक टेन थाउजेंड याद अपना ही एग्जांपल लेता हूं सो so दैट अपने को फटाफट कनेक्ट हो जाएगा कनेडियन डॉलर टेन लैख टेन थाउजेंड अपॉन वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था देखो इधर क्वेश्चन में दिया था इट इज कनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड सो ये यहाँ पे कनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजेंड मुझे मिल 20 .20 समझ गया सर बट अब इधर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट द टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट इन द सेम करेंसी एज दैट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द एक्सरसाइज प्राइस अपने को इस क्वेश्चन में वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अपना कनेडियन डॉलर कनेडियन डॉलर वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट और टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट दोनों भी सेम करेंसी में था तो सर क्या ऐसा भी होगा कि ये दोनों अलग अलग करेंसी होंगे द आंसर इज यस एंड नेक्स्ट में अपन वही करने वाले हैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ ना पहले आप लोग को यहाँ पे ये चीज क्लियर करवाई अब आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट साइज निकलवाना सिखाया प्लेन वनीला कॉन्ट्रैक्ट साइज कि भाई चलो मेरा अगर इतना दस लाख दस हजार डॉलर है पचास लाख कैनेडियन डॉलर है ऊपर का कैनेडियन डॉलर है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट बनता है अब जो आएगा क्वेश्चन उसमें ट्रांजेक्शन अमाउंट अलग वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट अलग तो आपको क्या करना है नोट में लिखा है उसको अप्लाई करेंगे डोंट वरी फिर इफ द कॉन्ट्रैक्ट आर इन डेसिमल जैसा आपने केस में था तो राउंड ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू लोअर होल नंबर तो अपन लोग ने ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी को कन्वर्ट किया ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट में एंड रिमेनिंग अमाउंट कैन बी हेज थ्रू फॉरवर्ड जो अपन लोग ने किया सो ट्रांजेक्शन अमाउंट अपना था कनेडियन डॉलर टेन लैख टेन थाउजेंड उसमें से एक्सपोजर अपन कवर कर रहे थे कनेडियन डॉलर टेन लैक तो एक्सपोजर टू बी कवर्ड बाय फॉरवर्ड अपना आया डॉलर टेन थाउजेंड कौन सा कनेडियन डॉलर टेन थाउजेंड समझ में आ गया एवरीबॉडी सो दिस इज हाउ वी डेड अब इसमें इंटू स्ट्राइक प्राइस देखो इधर लिखा है इफ फॉरवर्ड्स आर इन अदर करेंसी अगेन वो नेक्स्ट लेवल पे इधर तक का लेवल अभी अपना कवर हो गया ये ये, ये इतना पार्ट अभी अपना कवर हो गया इस क्वेश्चन में जो नीचे वाला पार्ट है वो बाद में ये वाला पार्ट अभी अपना कवर हो गया इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट अभी बाद में सो जो मैं अभी आप लोगों को ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं ना ग्रीन में जो हाईलाइट कर रहा हूं वो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में आएगा सो इसका ये स्टेप टू में दो पार्ट है एक पहले कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना

पार्ट टू स्टेप टू स्टेप थ्री की काफी सारी चीजें समझ में आ गई क्लियर एवरीबॉडी डन इसी के साथ होता है ये मेरी तरफ से करेंसी ऑप्शन का थर्ड क्वेश्चन एक बेसिक वाला लिया था आपको मॉरिस कंप्यूटर्स फिर जेपीवाई वाला फिर अभी ये तीसरा राइट right? अब और दो समय एन विल बी डन डस्टेड विद दिस होल कॉन्सेप्ट और एकदम मस्त मस्का स्मूथ विद एक एक चीज अपन लोग यहां पे बनाते जा रहे हैं एज अ प्रोफोर्मा विदाउट एनी इशू राइट श्योर गुड मूविंग ऑन चलो चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड ऑल रीजन साउन दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जी हा आपके मॉड्यूल में से आप ओपन कर सकते हो आ जाओ एक्स वाई जी लिमिटेड

फ्यूचर रेट प्रॉबेबिलिटी ट्वेंटी फॉरवर्ड मनी मार्केट नो हेजिंग के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया मैं आपके साथ यहां पर आया हूं एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आओ सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन एंड प्लीज उसके पहले दो मिनट लेके अगर क्वेश्चन को सोल्वीन गोत्र कर, I mean, कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा वैसे आपको कल यहाँ पे जो बेसिक्स है वो मैं लिखवा ही सकता हूं यहाँ कोई उसमें मेरे को हर्जा नहीं है क्वेश्चन थोड़ी नाइन आई गेस राइट सो कौन है एक्स वाई जी कंपनी है जो यूएसए की फॉर्म है हा उसको क्या करना है विल नीड पाउंड थ्री लैख क्यू क्योंकि भेजना पड़ेगा तो एक्स वाई जी कौन हुआ इंपोर्टर सो इंपोर्टर एक्सपोर्टर ठीक है इंपोर्टर अपने यहां पे क्या डिनोट करता है जिसको पेमेंट अपने को पेमेंट की जरूरत है उसको अपने को पेमेंट करना है सो so, पे इंपोर्टर कौन हुआ है यूएस फॉर्म एक्स वाई वाइजी जो एक डॉलर फॉर्म है एक्सपोर्टर कौन हुआ है जो एक पाउंड का फॉर्म है फिर कौन से करेंसी में अगर तुम लोग देखोगे तो इन है पाउंड में तो मतलब करेंसी रिस्क किसको रे वो मैनेज करना है करेंसी रिस्क बेटा किसको मैनेज करना पड़ेगा डॉलर को मैनेज करना पड़ेगा मतलब एक्स वाई जी जो कंपनी है उसको करेंसी रिस्क मैनेज करना पड़ेगा स्पॉट रेट वन इक्वल टू डॉलर टू और बाकी सारा सब इंफॉर्मेशन यहां पे अपने पास अवेलेबल है अब अगर सपोज इन्होंने नहीं दिया होता नहीं देता जा क्या नहीं दिया होता ये कॉल ऑप्शन वर्ड इन्होंने यहां पे नहीं यूज किया होता तो क्या आप खुद से फाइंड आउट कर पाते क्या द आंसर इज यस आपको पता है इंपोर्टर है इंपोर्टर को पे करना है पे करना है तो अब आपको देखना है कि कौन सी करेंसी में दिया हुआ है सो so, आप लोग नोट करेंगे कि फॉरेन करेंसी में है देखो जिसका रिस्क है डॉलर वाले का रिस्क है उसके लिए कहना में दिया हुआ है टू क्वेश्चन में देखो कोट्स कैसे दिया हुआ है इंपोर्टर so, है और फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है कॉल ऑप्शन ठीक है और क्वेश्चन में भी वही है तो एक क्रॉस चेक हो गया एक अपने को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाश सही जा रहे हाश सही जा रहे गॉट इट डन 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 अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कॉल ऑप्शन दैट एक्सपायर इन एटी डेज एज एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ डॉलर वन पॉइंट वन नाइन सेवन एंड प्रीमियम ऑफ दिस सो अब यहां पे अपन लोग लिख लेंगे क्या अपने को उन्होंने दिया है कि कॉल ऑप्शन यूज करने वाले हैं अपन जब भी ऑप्शन यूज करते हैं अपने को दो चीजों की सख्त जरूरत होती है क्या एक होता है एक्सरसाइज प्राइस uh, जिसको अपन स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं ना प्यार से करेक्ट और दूसरा होता है प्रीमियम दूसरा होता है प्रीमियम तो अपने केस में अगर आप लोग नोट करोगे तो एक्सरसाइज प्राइस देखो कितना है डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन एंड प्रीमियम देखो कितना है प्रीमियम है डॉलर पॉइंट जीरो फोर समझ में आ गया आप लोगों को एवरीबॉडी अब देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ध्यान से समझना वो लोग बोल रहे हैं दट एक्सवाइज फोरकास्टेड द स्पॉट वन एटी डेज हेंस एस बिलो फ्यूचर रेट अब सुनो अगर फ्यूचर में रेट हो गया डॉलर वन पॉइंट नाइन वन ठीक है वी वांट द मार्केट टू गो अप तब अपने लिए फायदा होगा अपन ने एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज किया है डॉलर पे वी तो, तो, तो कोई मतलब ही नहीं बना फिर तो अपने लिए समझ रहे आप पे क्या आप लोग आप एक्सरसाइज करोगे क्या फर्स्ट सिचुएशन में द आंसर इज नो आई विल नॉट एक्सरसाइज सेकेंड सिचुएशन में एक्सरसाइज करोगे क्या नहीं अगेन वन पॉइंट नाइन सेवन से नीचे गया थर्ड सिचुएशन में यस थर्ड सिचुएशन में मैं जरूर जरूर इसको एक्सरसाइज करूंगा फॉर श्योर एक्सरसाइज करूंगा अब उसको यूटिलाइज इसको कैसे लिख के बताना है वो मैं बताता हूं आपको अब प्रेजेंटेशन इसको कैसे करेंगे तो मैं बोलूंगा कि यार देख एक्सपेक्टेड रेट जो है अपना ठीक है वन एटी डेज के बाद तो क्या है फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेट क्या है अपना 1 .91. $1 .91. तुम ने एक चीज नोट की पाउंड एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ पाउंड ओनली देखो कॉल ऑप्शन ऑन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ डॉलर 1.97 जब ऐसा लिखा हो ना कि डॉलर 1.97 तो इसका मतलब दूसरी करेंसी के टर्म्स में है मतलब वन इक्वल टू यहाँ पे भी वन इक्वल टू यहाँ पे भी वन इक्वल टू इसके लिए सब जगह कांस्टेंट है सब जगह के टर्म्स में दिया हुआ है तो अपने को टेंशन नहीं है स्मूथली ये सम को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट जो सम है लास्ट सम उसमें थोड़ी गेम बदलेगी तब मैं बताऊंगा क्या करना है फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू सो अगर डॉलर वन पॉइंट नाइन वन हुआ आपका एक्सरसाइज प्राइस है डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन यू वॉन्ट द मार्केट टू गो अप ओनली देन यू विल एक्सरसाइज तो आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं यहां पे नोट लिखना बहुत जरूरी है इस चीज का सिंस वी हैव टेकन द कॉल ऑप्शन वी वांट, वी वांट और अदर वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन वी विल Exercise the option only if dollar goes up, only if dollar goes up. Tikana okay, so if dollar goes up, that is more than dollar one point nine seven, dollar one point nine eight and above. Bra? dollar 1.98 and above but if it is less than dollar 1.97 we will never exercise the option नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन समझ में आ गई आप लोग सब लोग को ये बात तो बोलो यस सर यस सर बहुत बढ़िया गुड चलो डन नूव थिंग्स अहेड अब चीजों को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे अब देखो पहला एक्सपेक्टेड रेट आया डॉलर वन पॉइंट नाइन बहुत क्लीन इधर मैंने लिखा है तो अपन लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज ऑप्शन नो सर बराबर है तो अपन लोग इधर लिख लेते हैं नो no. और उसका रीजन हमने यहां पे नोट में लिख दिया है तो अपने को टेंशन भी नहीं है सर एग्जाम में ये रीजन लिख के आना है बताओ एग्जामिनर को आपको ये सब चीजें आती है जितना शो ऑफ करोगे एग्जामिनर के सामने उतनी अच्छी बात है बता रहा हूं मैं आपको एक्सरसाइज ऑप्शन द आंसर इज नो ठीक है तो अब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इन शॉर्ट आप इतना ही पे कर दोगे हाँ सर बिल्कुल इतना ही पे कर दोगे सो टोटल पेमेंट अब सुनो अपन डॉलर वन पॉइंट नाइन वन तो पे करेंगे ही करेंगे बट कहना अपन ने यहां पे प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा भले ही आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो पर प्रीमियम तो फिर भी आपका जाना ही जाना है एंड दैट इज पॉइंट जीरो फोर पॉइंट जीरो फोर समझ रहे हैं आप लोग सो so, पर यूरो पॉइंट जीरो फोर प्रीमियम में जाएगा और बाकी जो एक्सरसाइज प्राइस है उसका जाएगा सो टोटल हो गया आपका ये हेलो टोटल हो गया आपका ये डॉलर वन पॉइंट नाइन फाइव ठीक है अच्छा कितने अमाउंट के लिए तीन लाख पाउंड के लिए ये सब बराबर है सो ये इधर लिख देता हूं मैं अमाउंट पाउंड तीन लाख एंड अरे यार अभी जगह बहुत कम है यार इतने सारे ये बनवा रहे हो तुम लोग ना 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 हम्म डॉलर पाउंड थ्री लाख तो टोटल कितना आता है थ्री लाख इनटू वन पॉइंट नाइन फाइव फाइव एटी फाइव डॉलर फाइव एटी फाइव डॉलर फाइव एटी फाइव समझ गए क्या नहीं समझे मैं बताता देखो एक यूरो सॉरी क्या है ये भाई पाउंड के सामने डॉलर 1.95 जा रहा है तो अगर मेरा तीन लाख यूरो है पाउंड है, तो मेरा डॉलर कितना गया 585 समझ में आया बट इसका प्रोबेबिलिटी है वो अपन लोग सब कैलकुलेट करेंगे डोंट वरी ठीक है सो ये हो गया पहला अब एक बार पहला हो गया ना फिर बाकी सब फटाफट होगा क्योंकि अपना प्रोसेस सिस्टम सेट हो गया दूसरा क्या है मेरा सर दूसरा है 1.95 सुनो समझे क्या तो दूसरा अगर मेरा डॉलर 1.95 आ रहा है तो सीधी सी बात है मैं 1.95 के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा ना मैं क्यों 1.97 के हिसाब से पेमेंट करूं मैं क्यों अपना नुकसान करूं सो so आई विल टेक 1.95 एक्सरसाइज करूंगा नहीं जाएगा टोटल 1.99 बॉस क्योंकि करेक्ट वो भी तो जाना ही है ना प्रीमियम तो वो तो मेरा लैप्स हुआ तो भी जाना ही है बेटा उसका कोई रिस्पाइट नहीं है अमाउंट तीन लाख के लिए कितना हो जाएगा मैं एक काम कर सकता हूं चलो तुम लोग के लिए एक काम कर तो इसको इधर खींच लेते हैं थोड़ा सा यार एडजस्टमेंट कर देंगे तो कहा और इधर प्रोबेबिलिटी निकलेगा बीच में क्यों खिचड़ी कर रहे हैं यार एक में हो जाएगा यार प्रोबेबिलिटी अब इतना मेरे जेब से जाने वाला इसका प्रोबेबिलिटी कितना है फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी है सो फाइव एटी फाइव इंटू पॉइंट टू फाइव वन फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी जाने का चांसेस है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब मेरा आ जाता है वन फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी डॉलर वन फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी ठीक है चलो समझ में आ गया आ। चल डन चलो अभी फटाफट -फड़ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ अभी सिस्टम एक बार प्रोसेस सेट कर देता हूं ना मैं फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अपना कुछ भी हो जाए अभी मेरा आएगा थ्री लैख इंटू डॉलर वन पॉइंट नाइन नाइन ये आता है फाइव सेवन उसके बाद पचास नहीं साठ टक्का का मेरा प्रॉबिलिटी है कि यही होगा ओ हो तो थ्री फिफ्टी एट टू हंड्रेड डॉलर थ्री फिफ्टी एट टू हंड्रेडर थर्ड 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 है डॉलर टू पॉइंट जीरो इंतजार था कि जा भाई तू इतना बड़ा हो कि हम एक्सरसाइज कर सके तो एक्सरसाइज करेंगे यस, तो कितना है अपना डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन कुछ भी हो जाए जो प्रीमियम है वो तो जाना ही जाना है ठीक है चलो अभी पाउंड थ्री लैक इंटू डॉलर टू पॉइंट जीरो बचा कितना होता है देखो थ्री लैख इंटू टू पॉइंट जीरो थ्री थाउजेंड इंटू पॉइंट वन फाइव नाइन जीरो फोर फाइव जीरो ए बेटा समझ गुड़ बस अब क्या बचा था टोटल कर लो कर लो टोटल कर लो वन फोर सिक्स टू फाइव जीरो थ्री फाइव एट टू हंड्रेड नाइन जीरो फोर फाइव जीरो फाइव नाइन फोर नाइन हंड्रेड इतना मेरे जेब से जाएगा अब मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सम किया था मेरा सम यहां पे मैंने रोक दिया था बट इन्होंने कहानी में और एक ट्विस्ट डाल दिया समझ गए ना तुम तो लोग तो अगर मैं अगर मैं करेंसी ऑप्शन लेता हूं

उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करवाओ बोला यार ये क्या बात मैंने बोला हाँ सीधी सी बात है टोटल so आउटले कितना आएगा so, sir, हर बार करना है हाँ कर लेने का भी से so, एक तो कॉल ऑप्शन की वजह से कितना गया कॉल ऑप्शन प्लस प्रीमियम की वजह से कितना गया तो ये दो बहुत थे बहुत नहीं थे क्या डॉलर फाइव नाइनटी फोर नाइन हंड्रेड कि अब इन्होंने ऐड कर दिया प्रीमियम के ऊपर इंटरेस्ट ऑल्सो इन्होंने ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कितना आ रहा है देखो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम सो तीन लाख पाउंड का इनवॉइस है उसके ऊपर इंटरेस्ट का यहां पे देखो परसेंटेज दिया हुआ है ना इसके लिए सब मच मच हुआ है क्या क्या लगता है प्रीमियम कितना है पॉइंट जीरो फोर डॉलर पॉइंट इनटू कितना टका इंटरेस्ट आएगा अभी तो देखो डॉलर में कन्वर्ट हो गया ये समझो तुम लोग जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं दिस तो इज नाउ वन लैक नहीं 3.204 like ये हो गया हजार डॉलर तो डॉलर का रेट देखो डॉलर का बोरोइंग रेट 5.5% सर क्यों बाइंग रेट ऑलवेज क्योंकि इतना मेरा अपॉर्चुनिटी जा रहा है ना इट्स लाइक like मैंने इतना लोन लिया है तो लोन के ऊपर इतना पे करना पड़ेगा प्रीमियम के लिए लोन लिया है आपने 5.5% ठीक है कितना है 660 अब और एक कंट्रोवर्सी है बताता हूं क्या और एक कंट्रोवर्सी है वो भी बताता हूं मैं फिलहाल वो एज अ स्टूडेंट वो कंट्रोवर्सी दिखेगा नहीं इग्नोर हो जाएगा बट फिर भी मैं आप लोग के नजर में वो चीज ले आता हूं फाइनली मेरे जेब से जाने वाला है डॉलर फाइव नाइनटी फाइव फाइव सिक्सटी इफ आई चूज करेंसी ऑप्शन इफ आई चूज करेंसी ऑप्शन हे पब्लिक समझे क्या ए पब्लिक ए पब्लिक समझे क्या अब सर कंट्रोवर्सी क्या है वो भी बता दो आ वो भी बता देता हूं आप लोगों क्या कंट्रोवर्सी है ना इसमें उन्होंने दिया हुआ है ये 180 डेज बोरोइंग रेट ठीक है 5.5 परसेंट अब यूजुअली जब वो लोग रेट देते हैं ना इट इज ऑलवेज पर एनम बट सर लिखा है ना वन एटी डेज अरे हाँ 180 का वो है बट ये परिटेशन होता है ऐसे बोला है मतलब साल का ग्यारह है वैसा तो वैसा इंटरप्रेट करके इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया मैंने भी कर दिया और हो गया जैसा मैंने बोला तुम लोग को दिखता भी नहीं और तुम लोग का कंसर्न भी नहीं है सर आंसर आ गया हम समझ गए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ओके नो प्रॉब्लम जस्ट टेलिंग यू। का कभी-कभी दोगलापन होता है वो है ना लिखेगा 180 और वो 5 .5 पर से वो रेट देगा। और फिर आपको बोलेगा आप सोल्व करो है यहाँ पे उसने बोला है और वही लिया है इसके लिए ये अलग अलग चीजें हुई है इसलिए बोल रहा हूँ <laughs> बता रहा हूँ यार <laughs> चलो okay, इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट मजा आया एंड लास्ट अब आने वाला क्वेश्चन के ऊपर तो so, यहाँ पे अपन लोग ने ये भी देख लिया कि कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एक्सरसाइज नॉन एक्सरसाइज का भी सिचुएशन आ सकता है एंड वहां पे अपने को कैसे चीजों को टैकल करना है वी आर और अब अपन चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर यस yes, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो धूम भी उतनी मचाएगा भैया रहा हूं मैं चलो सर तो ये है क्वेश्चन नंबर क्या क्या भैया फोर्टी सो लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आप समझ लीजिए आईसीआई के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए राइट चलो एंड uh, फिर अपन लोग एक मस्त एक एक क्वेश्चन के पॉइंट्स जो भी है लेते लेते मेक आर ओन नोट्स रिलेटेड टू करेंसी चलो ऑफ़ यूके केमिकल वर्थ यूएस डॉलर तो चलो प्रिलिमिनरी पहले फाइंड करते हैं अब इस क्वेश्चन में है कि कौन से करेंसी में पेमेंट करना है ऑप्शन कौन से करेंसी का है तो एकदम गिचबिच है इसमें तो मजा आएगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को call option लेना है कि पोर्ट ऑप्शन लेना है सोल्यूशन ठीक है देखो कौन कौन है इसमें अपने लिख ही देने का भाई क्या लिखने का इम्पोर्टर कौन है एक्सपोर्टर इंपोर्टर मतलब जिसको पैसा देना है एक्सपोर्टर मतलब जिसको पैसा लेना है ठीक है और फिर अपन लोग देखते हैं है, जिससे मुझे पता चलता है कि रिस्क कौन सी कंट्री का है भैया जी इंपोर्टर कौन सी का है लिमिटेड ऑफ यूके है इंपोर्टेड तो ये है यूके का विच इज पाउंड ओके फिर केमिकल वर्थ यूएस डॉलर तो दूसरा जो हमारा एक्सपोर्टर है तो डॉलर का हुआ एक यूके वाला इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्टर तो यूएस डॉलर हुआ ना डन ओके इनवॉइस क्या है वर्थ यूएस डॉलर तो इनवॉइस है डॉलर में हम्म करेंसी रिस्क किसका हुआ पाउंड का पाउंड वाला क्या है इम्पोर्टर so, बातर आप इंपोर्टर है ठीक है बराबर है ओके अब आप देखेंगे कि आप कौन से करेंसी में दिया हुआ है तो देखो स्पॉट रेट है फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट आर यूएस डॉलर वन पॉइंट फाइव सिक्स वन सिक्स मतलब कहना है इसे पाउंड के टर्म्स में दिया हुआ है सो 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 करेंसी Forex rate is in terms of pounds. Forex rates in terms of pound that is one pound equal to जो भी है बराबर के नहीं तो इसका मतलब सुनो जिसका करेंसी रिस्क है उसी के टर्म्स में दिया हुआ है मतलब क्या होगा इंपोर्टर और इंपोर्टर के साथ साथ करेंसी कौन सा है होम करेंसी अगर होम करेंसी है तो अपन कौन सा लेते हैं पोर्ट ऑप्शन समझे क्या गाइस ये इजी नहीं था ये कहानी में ट्विस्ट था बट अपना सिस्टम बहुत क्लियर है इसलिए अपने को तफलीक आएगा ही नहीं आपको टेंशन लेना ही नहीं समझे क्या क्या बोलते हो पब्लिक गॉट इट एवरीबॉडी मजा आया राइट सो दैट इज हाउ द सिस्टम शुड बी के कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ अब देखो इधर मेरा मेरा फॉर्मेट इतना मस्त रेडी है क्या मैं इंपोर्टर हूं हाँ मुझे कॉल लेना है कि पुट लेना है डिपेंड करता है कौन सा कौ, 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 ये जो फॉरेक्स रेट है कौन से करेंसी में सर डोमेस्टिक करेंसी में तो फॉरेक्स रेट इन टर्म्स ऑफ पाउंड दैट इज डोमेस्टिक करेंसी इंपोर्टर डोमेस्टिक करेंसी इंपोर्टर होम करेंसी आपको लेना है पुट ऑप्शन मैंने बोला ना फर्स्ट दो लाइन पढ़ के मुझे पता चल गया कि पुट ऑप्शन लेना है कि कॉल ऑप्शन लेना है क्वेश्चन में फिर देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में फिर क्या बोला है बोरोइंग रेट्स इन यूके एंड यूएस आर सेवन परसेंट सिक्स परसेंट डिपोजिट रेज Currency options are available under which one option contract is for Great Britain pound जो यहाँ पे payment मेरे को करना है वो dollar में, में है मैंने बोला था ना अब थोड़ा रायता फैलेगा बस यहाँ पे वही है The option premium for GBP at a strike of 1.7 US dollar per GBP. अपन ऑप्शन cover, cover के लिए कर रहे हैं बस इसी हिसाब सेना है जिसका मैंने स्टार्ट तुम्हारे को दे दिया है अब को एक कर लो, फिर साथ में सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को क्या बोलता है पब्लिक डन चलो प्लीज रीड एवरीबॉडी चलो सम को स्टार्ट करेंगे ओके okay, अब देखो सो बेसिक अपन लोग ने क्रैक कर लिया है कि भाई पुट ऑप्शन यूज होने वाला है एंड वी आर द इंपोर्टर्स बेसिकली एंड वी हैव टू मेक द पेमेंट इन डॉलर्स बट करेंसी अपनी होम करेंसी में दिया हुआ है समझ रहे हो मतलब जो दिया हुआ है सॉल्व कर अब, 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 करना स्टार्ट करते हैं सो so, अपन लेने वाले है पुट ऑप्शन एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट ठीक है अब आ जाता है नेक्स्ट यहां पे उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है करेंसी ऑप्शन अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब गेम है ना इधर थोड़ा बदलता है पता है क्यों क्योंकि आपका जो टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट है जो इन्वॉइस अमाउंट है वो है डॉलर में अब तक जितने भी सम थे ना आप लोग ने नोट किया होगा कि ये इश्यूज अपने को नहीं आया था ठीक है पहली बार यह इश्यू है टैकल करेंगे कोई टेंशन नहीं है समी इसीलिए अपन कर रहे हैं इस इश्यू को मैनेज करने के लिए सो so, मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है यूएस डॉलर में जबकि मेरा जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अब नीचे भी देखो क्या लिखा है वो लोग ने द ऑप्शन प्रीमियम फॉर जीबीपी एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ यूएस डॉलर वन पॉइंट सेवन पर जीबीपी मतलब वो बोल रहा है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस इसको बोलते हैं इज वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएस डॉलर वन पॉइंट सेवन के हिसाब से अपना फ्रीज हुआ है कि ये प्राइस के हिसाब से अपने को पेमेंट करना है कोई टेंशन नहीं है दूसरा ये सबके लिए अपन लोग ले रहे हैं पुट ऑप्शन जिसके लिए हम तो ये पुट ऑप्शन का हमारा प्राइस फ्रीज किया है बट जिसके लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स का ठीक है तो अब ये ये जो यहां पे मैंने लिखा है क्यों ना इसको अपने आंसर में सोल्यूशन में लिख लू so, यहां पे है मेरा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ज इक्वल टू पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट गाइस ठीक है ओके okay. अपन ने लिया है पुट ऑप्शन तो हमने यहां पे लिख लिया पुट ऑप्शन ठीक है जिसका एक्सरसाइज प्राइस है पाउंड इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट सेवन इस पे हम लोग ने फ्रीज कर लिया ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस हो गया स्ट्राइक प्राइस हो गया इस पे हम लोग ने फ्रीज कर लिया हम हमारा पेमेंट इसके हिसाब से ही करेंगे फिर उसके बाद वो लोग ने दिया है बट इसके लिए अपने को प्रीमियम पे करना पड़ेगा कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा करके उन्होंने बोला है डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन Six, ठीक है अब और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी दी है कि टोटल अपने को इनवॉइस अमाउंट बता दिया है तो वो अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस अमाउंट एंड इनवॉइस अमाउंट है डॉलर में एंड दैट इज डॉलर थ्री सिक्स फोर एट नाइन सेवन थ्री सिक्स फोर एट नाइन सेवन ठीक है तो अब ये जो प्राइम मे सी इंफॉर्मेशन है वो लिख दिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं सो सेकेंड पॉइंट जब अपन लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है देखो यहां पे भी जैसे मैंने तुम लोग बताया था भाई सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है फिर हम लोग जब बेसिक लिखते हैं तो आ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन टू बी बॉट सो आ जाओ यहां पे टोटल इनवॉइस माउंट डॉलर में है कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है तो सर अब क्या करे ये तो कंपेरेबल है नहीं एप्पल टू एप्पल होना चाहिए एप्पल टू एप्पल है नहीं ये तो देखो आप दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइज को कन्वर्ट कर दो डॉलर में ठीक है ना या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो डॉलर में या फिर आप इसको कन्वर्ट कर दो पाउंड में चॉइस इज योर्स चॉइस इज योर्स एंड माइन दोनों में आंसर सेम ही आएगा कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज़ मैथमेटिकली समझो ना तो दोनों सेम ही होने वाला है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो आपके ऊपर है अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं आ, समझो आप बोलते हो कि सर कॉन्ट्रैक्ट साइज तो वो तो मार्केट का है तो वो फिक्सड ही रहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट साइज तो सेबी का है ना सेबी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट साइज रखना तो वो तो फिक्स ही रहेगा तो अपन अपना सर इनवॉइस अमाउंट चेंज कर देते हैं इनवॉइस अमाउंट अपने हाथ में तो यू कैन डू दैट ऑल्सो एंड आपको ऐसे वर्षा करना है आप वो भी कर सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है सो so, आओ बोलो क्या करोगे आप सो वी विल कन्वर्ट द इनवॉइस अमाउंट चलो वो कन्वर्ट तो पहले इधर लिख लेते हैं कि भाई सिंस सिंस इन्वॉइस अमाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज नॉट ऑफ सेम करेंसी डिनोमिनेशन देर फर वी कैन कन्वर्ट अगेन आई एम टेलिंग यू आईदर ऑफ देम आइदर ऑफ देम बट वो कन्वर्ट कैसे करना है यूजिंग स्ट्राइक प्राइस जी ठीक है सो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है भाई के कितना पेमेंट जाने वाला है से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं समझो ना ये ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड है तो ये ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड में मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे पहले लॉजिकली बता रहा हूं फिर इसको एज अ प्रोसेस भी कन्वर्ट कर देंगे लॉजिकली समझो मेरे पास ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड है वो मेरे कितने डॉलर में कन्वर्टेबल है उतना ही मेरा कवरेज हुआ बेसिकली सो so, मेरा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड एक पाउंड इज इक्वल टू बॉस एक पाउंड इज इक्वल टू यहाँ पे बोला है स्ट्राइक प्राइस वन पॉइंट सेवन पर जीबीपी तो वन पॉइंट सेवन यूएस डॉलर में कन्वर्टेबल है तो so, मेरे पास अगर बारह हजार पांच सौ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सेवन में करता हूं तो so, मतलब बेसिकली ट्वेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी डॉलर का एक साइज हुआ मेरे को यहाँ पे कितना टोटल कवरेज है थ्री सिक्सटी फोर एट सेवन अगर एट को सेवन को कवर करना है 21, का एक है. मतलब कहना है सेवनटीन पॉइंट सेवनटीन कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को जरूरत लगेगा समझे क्या एंड वाइस वर्षा करोगे तो भी आपको सेवनटीन पॉइंट सेवनटीन ही आएगा अब मैं दिखाता हूं बोथ मेथड्स करके आपको दिखा देता हूं तो यू पे है अपना 364, 897, इसको मैं इधर कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूं ठीक है यूजिंग ऑलवेज स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना वो चीज करेक्ट तो कितना आएगा यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई वन पाउंड वन हा पाउंड इज इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट सेवन बराबर है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है अब मेरे पास है डॉलर सॉरी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड इसका मतलब कितने डॉलर्स हुए सो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट सेवन एंड दैट इज ट्वेंटी वन टू फिफ्टी डॉलर समझ में आया यहां पे लिख देंगे ट्वेंटी वन टू फिफ्टी डॉलर तो देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है मेरा यहां पर डिवाइड बाई टू वन टू फाइव जीरो एंड इट इज सेवनटीन पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट ऑपोजिट साइड पे आ जाओ अगर आप उल्टे तरीके से करो तो सपोज डॉलर थ्री सिक्सटी फोर एट नाइनटी सेवन को कन्वर्ट करो पाउंड में यूजिंग अगेंस्ट स्ट्राइक प्राइस तो सेम वन पाउंड इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट सेवन तो डॉलर थ्री सिक्स फोर एट नाइन सेवन सॉरी थ्री सिक्स फोर एट नाइन सेवन कितना हो जाएगा

पाउंड टू वन फोर सिक्स फोर फाइव डिवाइड बाय पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू एंड ये आ जाता है सेवनटीन पॉइंट सेवेंटीन कॉन्ट्रैक्ट समझे तो टेंशन नहीं लेने का ये मैंने क्यों क्या बताया अब इसे आपका याद करने का टेंशन खत्म कि मैं जो मेरा इनवॉइस अमाउंट है उसको मैं कन्वर्ट करूं या फिर मेरे जो इधर मेरा लॉट का अमाउंट है उसको कन्वर्ट करूं ये अब आपको याद रखने की टेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर तो दोनों में सेम ही जाने वाला है हाँ ध्यान में रखना है यूजिंग स्ट्राइक वाइज बेटा ध्यान में रखना है यूजिंग स्ट्राइक तो अगर स्ट्राइक प्राइस को आप सिस्टमेटिकली यूज कर लोगे ना मैं आपको बता रहा हूं आपका काम हो जाएगा पेड़ा पार्ट आपका हो जाएगा चलो सर ये भी बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई अब क्या तो अब सेवनटीन पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट है पार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अलाउड नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट सेवेंटीन ही लोगे सो देर टोटल नंबर ऑफ टेकन टू कवर द इन्वॉइस अमाउंट इज इक्वल टू सेवेंटीन पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अपन बोलेंगे सेवनटीन कॉन्ट्रैक्ट अपन लेंगे ऑप्शन का एंड पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट अपन लेंगे फॉरवर्ड मार्केट का समझ में आया यस दट इट मीन भाई कॉन्ट्रैक्ट तो आप राउंड फिगर में ही ले सकते हो तो आपने सेवनटीन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया पर बाकी का जो पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ेगा फॉरवर्ड मार्केट एक्सपोजर का ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है गाइस oh, चलो eh, अब है ना अपने को डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि कौन से नाव में तैरना है कौन से नाव में पैर रखना है तो इसका मतलब क्या सर देखो बताता हूँ मतलब क्या लिसन अब या तो कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर में डिनोमिनेट करवा लो या तो कॉन्ट्रैक्ट्स पाउंड में डिनोमिनेट करवा लो दोनों में से एक अगर डॉलर में डिनोमिनेट करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स को तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे ये वाला फर्स्ट वाला केस वन कॉन्ट्रैक्ट इन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइज इन डॉलर और पार्ट केस टू कॉन्ट्रैक्ट साइज इन पाउंड सर दोनों में से कोई भी लो आपको सेम आंसर आएगा उसका टेंशन मतलब सही आंसर आएगा बता तो दिया आपको प्रूव करके बता दिया तो सर अपन लोग डॉलर वाला लेते चलो तो डॉलर वाला लेंगे आ जाओ सो लेट नाउ सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग डॉलर एज कॉन्ट्रैक्ट साइज ठीक है अब देखना एकदम सिस्टमेटिकली हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सो देर फॉर सुनना भी इनवॉइस डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में जो मैं निकाल चुका हूं जो मैं निकाल चुका हूं विच इज नथिंग बट दिस इसको एज इट इज मैं इधर कॉपी कर रहा हूं मुझे मिल गया सत्रह पॉइंट सत्रह कॉन्ट्रैक्ट सत्रह पॉइंट सत्रह कॉन्ट्रैक्ट अब सुनो मैंने फाइनल कर लिया के ऑप्शंस में लेने वाला हूं फॉर द सेवेंटीन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड मार्केट में लूंगा फॉर द पॉइंट वन सेवन कॉन्ट्रैक्ट इसको लेटर ये वाले को अभी फिलहाल मेरा फोकस फॉरवर्ड है ही नहीं मेरा फोकस फॉरवर्ड मार्केट है ही नहीं सो मैं फॉरवर्ड मार्केट को रखता हूं साइड पे और मैं आ जाता हूं ऑप्शन मार्केट पे तो ऑप्शन के ऊपर आ जाओ सत्रह मेरे पास यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ले रहा हूं उससे मेरा कितना कवरेज हो जाएगा देखो मेरे को चाहिए कि टोटल डॉलर थ्री सिक्सटी फोर एट नाइनटी सेवन हो जाए बट मैं बोलता हूं भाई मेरे सत्रह कॉन्ट्रैक्ट इन टू डॉलर ट्वेंटी मेरा कवरेज हो जाएगा इन so, 17 टू वन टू फाइव जीरो डॉलर थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी कवर्ड बाय ऑप्शन कवर्ड बाईप जो बचे वो अपन लोग डाल देंगे फॉरवर्ड में समझ में आ रहा है तुम को ना गाइस थ्री सिक्सटी फोर एट नाइनटी सेवन कवर करना है एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है डॉलर ट्वेंटी का सत्रह अपन लोग ऑप्शन से कवर कर रहे हैं बच्चा जो है यहाँ पे आ जाएगा सो विच इज डॉलर थ्री सिक्सटी फोर एट नाइनटी सेवन माइनस डॉलर थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी सो कितना कवर हो जाएगा बाहर से थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी माइनस

So, मेरे जेब से जाने वाला है थ्री सिक्सटी वन डॉलर थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी बट मैं डॉलर वाला आदमी नहीं हूं मैं, so, मैं कितना मेरे को पे करना पड़ेगा सो आई नो दैट मेरा मेरा फाइनल क्या हुआ है वन इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट सेवन ना गाइस मेरा तो ये फाइनल हुआ है जीबीपी एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ यूएस डॉलर वन पॉइंट सेवन सो मेरा फाइनल हुआ है पाउंड इक्वल टू डॉलर सो डॉलर थ्री सिक्स वन टू फाइव जीरो के लिए मेरा कितना पाउंड वो जाएगा सो थ्री सिक्स वन टू फाइव जीरो डिवाइड बाय वन पॉइंट सेवन पाउंड टू वन टू फाइव हंड्रेड में गाइस पाउंड टू वन टू फाइव हंड्रेड में मेरा थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी डॉलर कवर्ड समझ में आया आपको दिस इज लाइक दिस कवर्ड ये है covered by forward. Forward को मैं लास्ट में लेने वाला वालू हंड्रेड मेरे को मेरे जेब से देना पड़ेगा जिससे एक पाउंड का डॉलर वन पॉइंट सेवन फ्रीज मेरे लिए तो थ्री सिक्सटी वन टू फिफ्टी मेरा आ गया मेरे पास ओके okay, उतना टेंशन मेरा खत्म अब प्रीमियम अब प्रीमियम कैलकुलेशन सो तो ये मेरा एक पहला ऑप्शंस का कैलकुलेशन हो गया राइट दूसरा अपने को ये जो बचा हुआ है डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन उसका भी कैलकुलेशन करना है तो भी कर सकते हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं चलो उसका कर लेते हैं सो फर्स्ट कवर्ड बाय ऑप्शंस मेरे को तो मेरी करेंसी में चाहिए मेरी करेंसी कितनी है टू पाउंड है ना मेरी करेंसी तो भाई यहाँ पे ये जो बंदा है ये कहाँ का है ए लिमिटेड ऑफ यूके तो अपने को तो उसकी उसकी करेंसी में उसको बताना पड़ेगा सो बता दिया अपन लोग ने भाई तेरा कवर्ड टू वन टू फाइव हंड्रेड अब आ जाओ सेकेंड पार्ट के ऊपर एंड दैट इज सेकेंड कवर्ड बाय फॉरवर्ड कवर्ड बाय फॉरवर्ड देखो कितना है डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन कवर्ड बाय फॉरवर्ड ठीक है डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन टू बी कवर्ड बाय फॉरवर्ड यस सर ओके अगर ऐसा सीनारियो है तो कन्वर्ट कर दो इसको पाउंड में तो उन्होंने देखो दिया हुआ है अपने को रेट सिक्स मंथस का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है सो सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट कितना है वन पाउंड इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फाइव स्लैश वन पॉइंट फाइव सिक्स जीरो नाइन ठीक है पाउंड इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फाइव स्लैश अब इसको कन्वर्ट करना है अपने। तो अगेन वी विल हैव टू यूज आवर है तो लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखने का भाई क्या है लॉजिक आपका देखो इधर सुनो आई नीड डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन पर मेरे पास डॉलर नहीं है मेरे पास तो पाउंड है तो मैं क्या करूंगा देखो आई नीड डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन बट आई हैव पाउंड मैं क्या करूंगा देअ आई विल आई विल सेल पाउंड बाय डॉलर बराबर मार्केट में जाऊंगा बोलूंगा भाई मेरे पास तो पाउंड है मैं तो यूके का रेजिडेंट हूं लो बाय डॉलर ओके okay, इसमें अपना बेस करेंसी क्या है ये देखो ना यहां पे बेस करेंसी कौन है अपना करेक्ट पाउंड इज द बेस करेंसी बराबर है थिंक फ्रॉम द बेस करेंसी तो अपन लोग सेल कर रहे हैं फर बराबर ना अपन अपन बेस करेंसी को सेल कर रहे बैंक विल बाय बेस करेंसी एट उंडल टू डॉलर वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फाइव डॉलर वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फाइव बस हो गया अपना काम डॉलर थ्री सिक्स फोर सेवन है यहाँ पे So, कितना पाउंड थ्री सिक्स फोर सेवन डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव फोर फाइव फाइव एंड इट इज टू थ्री सिक्स जीरो पाउंड टू थ्री सिक्स जीरो देर फॉर कवर्ड बाय फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें हो रही है पहले समझ लो फिर सिस्टम भी डाल देंगे यार पहले समझने का काम कर लो समझ गया ना फिर सिस्टम हो जाएगा उसका टेंशन मत लेना कवर्ड बाय फॉरवर्ड भी आ गया है अब लास्ट बचता है मेरा मेरे को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा तो मेरा जो टोटल ये डॉलर थ्री सिक्स फोर एट नाइन सेवन था ना वो मेरा पाउंड में मेरे को कितना मेरा पाउंड में आउटफ्लो होगा वो मेरा कवर हो गया अब लास्ट बचता है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम उसका भी एक नया खेल है सो आ जाओ वो भी मेरा तो मेरा कॉस्ट ही है थर्ड कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अब मैंने कितना कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है सत्रह कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है आ, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का है जिसमें सो देखो देखो, देखो अभी सुनो वन कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस ओके मैं ले रहा हूं पुट ऑप्शन पहले से ही क्लियर है वन पाउंड इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स वन पाउंड इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स ये मुझे पता ही है सो पाउंड डॉलर पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेरे को कितना डॉलर पे करना पड़ेगा फॉर प्रीमियम यार प्रीमियम के लिए कितना डॉलर पे करना पड़ेगा मेरे को बोलो बोलो चल चल

ट्वेल्व हंड्रेड इंटू सेवेंटीन डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है समझ में आया आपको डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड प्रीमियम अमाउंट है बट मैं तो यूके का हूं मुझे तो यूके में चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रीमियम आज पे करना है तो प्रीमियम को कन्वर्ट आज के रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो so, यहां पे लिखेंगे अपन यहां पे अपन लिखेंगे टेंशन मत लो सो क्या लिखेंगे अपन सिंस वी आर फ्रॉम यूके वी विल Convert above premium in pound. एट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है स्पॉट रेट क्योंकि प्रीमियम आज भरना है समझो इस बात को हेलो समझे क्या गाइस हम एट स्पॉट रेट एट स्पॉट रेट तो सुनो स्पॉट रेट देखो क्या दिया हुआ है तो वन पाउंड इक्वल टू वन पाउंड इक्वल टू वन डॉलर वन स्लैश वन ठीक है अब सुन लो ना मेरी बात गौर से ध्यान से जरा सुन लो क्या लेना है सर इसमें भी अपने को वापस लॉजिक तो वही रहेगा देखो मेरे को चाहिए डॉलर मेरे पास है पाउंड मैं क्या करूंगा सेल पाउंड बाय डॉलर यहां पे वही क्या था आई नीड दिस बट आई हैव पाउंड सो आई विल सेल पाउंड सेम 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 चीज यहां पे भी लिख लेता हूं यहां पे भी आई नीड प्रीमियम पे करना है ना तो प्रीमियम पे करने के लिए डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड But I have हैव so I will go to the bank and 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 क्या करूंगा मैं सिंपल है बॉस सेल पाउंड करूंगा बेटा सेल पाउंड करूंगा बाय डॉलर याद रखना मेरा बेस करेंसी कौन है ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बेस करेंसी सो अपन सेल करेंगे बैंक विल बाय एट बेट रेट फाइनल क्या हो गया वन पाउंड इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट फाइव सिक्स वन सेवन अपने को चाहिए डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड कितने पाउंड की जरूरत है अपने को ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव सिक्स वन सेवन जीरो सिक्स थ्री पाउंड ठीक है बस और क्या चाहिए आपको लाइफ में ये हो गया मेरा प्रीमियम अमाउंट देर फॉर फाइनल आउटफ्लो यूजिंग करेंसी ऑप्शन क्या होगा आओ देखते हैं एक प्रीमियम का अमाउंट गया कितना कितना पाउंड वन थ्री जीरो सिक्स थ्री मुझे तो मेरी करेंसी में पता होना चाहिए ना मेरा कितना जाने वाला है इतना जाने वाला है हाँ। फिर 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 सर में आपका टू थ्री सिक्स जीरो जाने वाला है तो लिख लो भाई फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड मार्केट में जाएगा टू थ्री सिक्स जीरो और उसके भी पहले वाला ऑप्शन के थ्रू टू वन टू फाइव हंड्रेड टू वन टू फाइव हंड्रेड सो एज पर ऑप्शन मार्केट बोलो क्या आता है आंसर टू वन टू फाइव हंड्रेड टू थ्री सिक्स जीरो वन थ्री जीरो सिक्स थ्री थ्री धन्यवाद इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका करेंसी ऑप्शंस अब अपने को क्या करना है इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ढाल देना है बना देना है सो so मैंने क्या किया है पहले आपको लॉजिकली सम्स करवा दिया है सब आप लोगों को क्लियर करवा दिया है अब खाली सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप चीजों को इन टर्म्स ऑफ अ फॉर्मेट कन्वर्ट करते जाना है सो दैट एग्जाम में आप डायरेक्टली वो फॉर्मेट भी यूज करें तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप वी आर क्लियर विद दिस देखो अब जो भी अपन लोग ने किया ना उसका मैं एक फॉर्मेट लिखवाने वाला हूं बट उसके पहले आप लोग को एक बात बता कि ये जो फॉर्मेट है बेसिकली ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है जो आपके मैजिक बुक में भी है तो आपको चाहिए तो यहाँ पे आप बंद कर सकते हो आप बोलोगे कि भाई ये लो सर फॉर्मेट दे दो हमारे को सीधा इसका पीडीएफ ही दे दो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाओ लिंक पे आप लोग को इसका फॉर्मेट जो मैंने इधर है वो आप लोग को मोटा मोटा मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपके पास पेशेंस है आने वाले 20-25 मिनट का और आपको चाहिए स्पीड पे देख लो चलेगा 1.5 1.75 की स्पीड पे ही देख लेना अभी आगे का मैं क्या कर रहा हूँ पूरा कोलेट कर रहा हूँ जो भी चीज अभी अपन लोग ने पढ़ी है कि भाई कब कॉल ऑप्शन लेना है कब पुट ऑप्शन लेना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड करना है प्रीमियम कैसे डिसाइड करना है ऑल ऑफ दैट एक फॉर्मेट के थ्रू डाल रहा हूँ जो है इधर बट अगर आपको वहां से चाहिए यू क्या मतलब चाहिए मेरी तरफ से लिखा हुआ तो मैं आराम आराम से आप लोग को हर एक क्वेश्चन से पिकअप करते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे करके पूरा बना रहा हूं ठीक है चल सो अप टू यू अब आपको वो बैठना यू कैन कंटिन्यू विद दिस पूरा डिटेल वाला या फिर आप यहां से ही डायरेक्टली कर सकते हो टाइम कम है तो एंड यू विल बी ओके एज वेल मेन क्या था जो अभी जो अपन लोग ने चार पांच क्वेश्चन किए वो एकदम दिमाग में सेट हो गए लॉजिकली अपन लोग ने कर लिए That's That's what what you want That's what the confidence is required for कुछ लोगों के लिए केस आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं है, एंड तक पूरा देखना है कि क्या कैसे बन रहा है यू आर वेलकम स्पीड बढ़ा दो बिंदास बढ़ाया होगा फिर भी अब टाइम है दैट वी मेक द होल सिस्टमैटिक फॉर्मेट एज पर द गिवन क्वेश्चन ठीक है चलो बनाएंगे स्टार्ट करते हैं ना सो so नाउ अपन ने स्टार्ट किया ये समझने के लिए पहले कि भाई इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है तो अपना स्टेप वन काइंड ऑफ हो गया कि भाई ये इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है आइडेंटिफाई करना है अपने को तो आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करना है अपने को वेदर ये हमारा सामने वाला पार्टी इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है अगर ये इम्पोर्टर है सुनो हेलो अगर ये इम्पोर्टर है देन इन दैट केस इसको पे करना है फॉरेन करेंसी बराबर है सो so, यहाँ पे अपन ने जैसे लिखा हुआ है इन द मैजिक बुक आल्सो के हैज टू बाई फॉरन करेंसी या बेसिकली उसको पे करना है फॉरन uh, करेंसी में राइट दैट ये फॉरन करेंसी ठीक है ठीक है अब अगर उसको फॉरेन करेंसी पे करना है तो अब उसको डिसाइड करना है मैं कॉल ऑप्शन लू के पुट ऑप्शन लू सो so वो बोलता है मेरे पास दो ऑप्शन है मतलब किस बेसिस पे डिसाइड होगा ये कि जो आ, रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में है या होम करेंसी के टर्म्स में है सो रेट फॉरेक्स रेट फॉरेक्स रेट गिवन

ऑप्शन समझ में आ गई बात यस सर समझ में आ गई बात कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं यहां पे लिखते हैं इंपोर्टर अब यहां पे अपन लोग बोलेंगे दैट इफ करेंसी इंक्रीजेस वी विल कॉल ऑप्शन के लिए so, चलो कॉल और पुट दोनों का इसमें अलग अलग कर देता हूं मैं तो so, यहाँ पे दो करेंसीज है मेरे पास और उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कॉल लिया तो पुट लिया तो ठीक है कॉल लिया है तो इफ करेंसी रेट राइजेस तो अपन क्या करेंगे Yes, we will exercise the option. We will exercise the option. Else, it will lapse. Yeah, else, we will not exercise it. We will not exercise the option. not एक्सरसाइज ठीक है एंड इधर ऑपोजिट हो जाएगा इफ करेंसी रेट फॉल्स एक्सरसाइज द ऑप्शन ये सब तुम लोगों को समझा चुका हूं मैं खाली अभी नोट्स बना रहा हूं वी विल नॉट एक्सरसाइज एल्स वी विल नॉट एक्सरसाइज चौ क्लियर डन अच्छा फॉरेक्स रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब कि भाई वन से फॉर एग्जाम्पल रूपीज है तो वन डॉलर इक्वल टू है सो तो ये के के लिए फॉरेन करेंसी हो गया टर्म्स में तो ये इंडिया के लिए सपोज इंपोर्टर इंडिया का हुआ तो ये सीनारियो बन सकता है काइंड ऑफ समझे कि नहीं समझे कि नहीं ठीक है एक्सपोर्टर के लिए एक्जेक्टली ऑपोजिट हो जाएगा उसको वो रिसीव करने वाला है फॉरेन करेंसी वो रिसीव करने वाला है फॉरेन करेंसी गाइस चलो तो अगर वो रिसीव करने वाला है तो क्या होने वाला है बोलो हम्म अगर फॉरेक्स रेट

कॉल ऑप्शन और ये तुम लोग को सब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूं बता दू मैं आपको खाली राइट नेक्स्ट यहां पे भी एक्सपोर्टर के लिए सेम चीज लिख ली देते हैं अपन पुट कॉल सेम इफ करेंसी रेट फॉल्स वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन

डन बाय डन और अब अपन लोग जैसे-जैसे क्वेश्चन करते गए क्या क्या सीखते गए क्वेश्चन से ही ही अपने को को मिलने वाला वाला है इतना याद रखना जितना अपन लोग करेंगे कि भाई चलो ये मेरा example था Morris Limited वाला, इससे अपन लोग ने क्या सीखा ठीक है इससे आई थिंक जो चीज सीख लिया वो अपन लोग ने लिया मेनली आइडेंटिफाई करना अच्छा, दूसरा अपन लोग ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गए यहां पे अपन लोग ने देखा कि यार आ, ऊपर चल ना यहां पे अपन लोग ने क्या सीखा चलो लेट्स फाइंड दैट आउट सो यहां पे भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एंड फिर अब इज दिस होल सिस्टम जो अभी लोग ने लिख लिया इट वॉज अ वेरी इजी समय कुछ था ही नहीं अब अपन लोग ने सीखा स्टेप टू में क्या फाइंड आउट करना के मेरा कितना साइज आई मीन कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे को लेने हैं so, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड पार्ट जैसे मेरे मैजिक बुक में भी है सो वी विल राइट डाउन सेकेंड पार्ट विच इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टेप टू के थ्रू तुम लोग को मैंने बताया था कि अपने को फाइंड आउट करना है क्या कितना नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कुछ केसेस में तो स्टेप वन पे ही गेम खत्म हो जाएगा कुछ स्टेप में कुछ केसेस में मैं आपको बोलू ना तो स्टेप वन पे ही गेम खत्म हो जाएगा वो बोलेगा कि भाई ठीक है हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया क्या है ऑप्शन चलो अच्छा इधर है ना एक दो पॉइंट चलो मैं तुम लोग को लिखवा ही देता हूं के नोट इफ no info is given it is assumed that option is exercised Bravare. second if option is exercised तो क्या होगा बताए प्रीमियम इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज सॉरी तो प्रीमियम अपना खर्चा हो जाएगा एक्सरसाइज देन आर कॉस्ट विल बी या देन द फाइनल विल बी फाइनल पेमेंट विल बी देन फाइनलाइजेशन विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट रेट प्रीवेलिंग ऑन दैट डेट प्रीवेलिंग ऑन डेट ऑफ लैपसिंग ऑप्शन बट ध्यान रखने का प्रीमियम कॉस्ट प्रीमियम कॉस्ट ल बी एडेड और डिडक्टेड अगर कुछ पेमेंट मिलने वाला है तो डिडक्टेड अदरवाइज एडेड आई थिंक वो लॉजिकल अब आ जाते हैं अपन लोग स्टेप टू के ऊपर स्टेप टू बोलता है लर्न टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर मैंने आप लोग को बताया था क्या के इनवॉइस अमाउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट साइज ठीक है नोट द इनवॉइस अमाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज शुड बी ऑफ सेम करेंसी बेटा उंड इन्वाइस अमाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज शुड बी अफ सेम करेंसी दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दो. दोनों में से एक में यूजिंग द स्ट्राइक प्राइज कन्वर्ट आइर इंटू अदर यूजिंग ढेंडेंगे ढेंगे स्ट्राइक स्लैश एक्सरसाइज प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ भी इनवाइस अमाउंट को भी आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्वेश्चन थर्टी थ्री में ना एक पिक्यूलैरिटी है उन्होंने दिया ही नहीं है लॉट साइज कौन सी करेंसी में है देखो आप क्वेश्चन देखो खोलो खोलो थर्टी थ्री खोलो देखो इन्होंने दिया ही नहीं है कि लॉट साइज कौन से करेंसी में है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से करेंसी में दिया हुआ है सो देखो यहां पे स्ट्राइक प्राइस जेवाई दो करेंसी है एक रूपीज है एक जेपीवाई है अगर स्ट्राइक प्राइस या प्रीमियम जो है वो आपको जेपीवाई में दिया है मतलब इसका मतलब दैट द लॉट साइज इज इन द अदर करेंसी विच इज रूपीज अपने केस में सो सो इफ नोट नंबर थ्री नोट इसको इधर लिख लेता हूं नोट वन नोट टू नोट थ्री इफ लॉर्ड साइज करेंसी नॉट गिवन क्या करोगे लॉर्ड साइज करेंसी अगर नहीं दिया है नॉट गिवन देन इट विल बी इंटर प्रिंटेड एज अंडर इट विल बी बेस्ड ऑन द अदर या बोलेंगे अपन ऑपोजिट करेंसी

that is lot size opposite currency rupees samaj that is lot size opposite currency that is rupees that is in rupees samaj aaya, guys

नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन डेसिमल्स तो फिर क्या होगा ध्यान से समझना वी विल राउंड ऑफ टू अर्यर नंबर एंड बैलेंस विल बी हेज्ड थ्रू करेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस विल बी हेज्ड थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जेब बात सो सर एग्जाम्पल दे दो श्योर अपना ही वाला एग्जाम्पल लेते हैं सेवनटीन पॉइंट वन सेवन एग्जाम्पल इफ Contract size equal to seventeen point one seven contract. Then in that case, what will happen? Seventeen contract through options. Remember, point one seven contract through forward mark. फॉरवर्ड okay. समझ में आ गया ठीक है so यह हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप तो अब अपने सत्रह कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन के थ्रू है बाकी के पॉइंट वन सेवन थ्रू फॉरवर्ड मार्केट इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना बस तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो अपन बोल देंगे भाई अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन एंड दूसरा रिमेनिंग थ्रू फॉर एक्स आई मीन थ्रू फॉरवर्ड्स अब अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन क्या है फाइनल नंबर ऑफ लॉट्स जैसे अपना 17 हुआ था जो राउंडेड ऑफ है मल्टीप्लाई बाय द कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड फिर जो बच गया वो मेरा रिमेनिंग थ्रू फॉरवर्ड्स राइट तो ये मेरा बच कितना गया फिर देखो टोटल इनवॉइस अमाउंट बच कितना जाता है टोटल इन्वाइस अमाउंट लेस अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शन ठीक है so, ये अपने को कवर थ्रू फॉरवर्ड मार्ग ठीक है चल अब मेरे को पता चल गया भाई अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शंस कितना है अमाउंट कवर्ड थ्रू फॉरवर्ड मार्केट कितना है बराबर है कोई टेंशन नहीं है इसमें अब मेरे पास आ जाता है लास्ट चीज एंड दैट इज प्रीमियम प्रीमियम भी तो मेरे को पे करना पड़ेगा ना बेटा सो so, अब मेरा कैलकुलेशन आएगा टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अब प्रीमियम का कैलकुलेशन देखते हैं सो लेट्स सी वॉट इज माई प्रीमियम कैलक्युलेन बेटा सो देखो मैंने अभी तक दो एग्जाम्पल दिए है दो एग्जाम्पल को मैं ले सकता हूं टू टी रीच टू माई प्रोफोर्मा ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन देखो अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसमें सीन क्या था पता है क्या ये कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम वन कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑफ पाउंड ठीक है बट जो प्रीमियम का अमाउंट दिया था दैट वॉज इन दर करेंसी राइट सो अपने को देखो क्या करना पड़ा पहले अपन लोग ने देखा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको मैंने मल्टीप्लाई किया प्रीमियम के अमाउंट से जो कि था डॉलर बराबर है तो देखो इधर जो भी हो रहा है वो मैं करते जाता हूं सो so, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज गॉट मल्टीप्लाइड बाय द प्रीमियम जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ राइट सो यहां पे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज यहां पे आई विल से कॉन्ट्रैक्ट साइज करेक्ट तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरे एग्जाम्पल में कितना था ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था अपना पाउंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर देखो आगे उसको अपन लोग ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया देखो प्रीमियम अमाउंट प्रीमियम अमाउंट कौन से उसमें था डॉलर में था तो यहां पे ध्यान रखना है इफ प्रीमियम अमाउंट इज इन सम अदर करेंसी तो मेरे को दूसरे करेंसी का मिला रेट इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किया फिर मेरे को इसको वापस स्पॉट रेट पे लाना पड़ा समझे सो कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट

मल्टीप्लाई okay, बाय फिर कितने नंबर ऑफ लॉट्स थे ये जो इधर फिगर आता है इसको अपने को लाना पड़ेगा एट स्पॉट रे समझे क्या एन 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 अगर समझो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज और प्रीमियम अमाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी होता तो फिर टेंशन ही नहीं होता यहां को लाना पड़ा मल्टीप्लाई बाय स्पॉट रेट क्यू करना पड़ा टू ब्रिंग इट एट कॉन्ट्रैक्ट साइज करेंसी टू ब्रिंग एट सी पे कॉन्ट्रैक्ट साइज इन टू प्रीमियम अमाउंट और यह इन करेंसी ओनली तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी में ही है अगर तो फिर टेंशन नहीं तो नंबर ऑफ लॉट से मल्टीप्लाई कर लो और आपको जो आंसर आया वो आपका प्रीमियम का ही अमाउंट होगा इन दैट पार्टिकुलर करेंसी Got it, guys. समझ में आ रही है बातें तो इसको एक बेटर वे में अगर टर्म करना हो मेरे को तो आई से यहाँ पे अपन लोग इसको डिनोट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ यहां पे भी हटा देता हूं कि भाई अगर समझो मेरा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या था पाउंड का ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट जीरो नाइन सिक्स डॉलर इंटू नंबर ऑफ लॉट करते ही ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया फिर इसको अपने को कॉन्ट्रैक्ट साइज़ करेंसी पे लाना पड़ा राइट सो यहां देंगे दैट कॉन्ट्रैक्ट साइज कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इन होम करेंसी एंड एट द अदर एंड करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइज नॉट इन होम करेंसी ठीक है बस आई थिंक हो गया सो so, इसी के साथ अपना टोटल आउटफ्लो एज पर करेंसी ऑप्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरा यहां पे कॉस्ट एज पर करेंसी ऑप्शन दूसरा फॉरवर्ड मार्केट तीसरा सो फॉरवर्ड मार्केट फॉर जो इन्वॉइस से कवर नहीं हो पाया फॉर अनकवर्ड बेसिकली अनकवर्ड अमाउंट Then premium amount. एज वेल डन चलो ये हो गया मेरा टोटल आउटफ्लो फ्लो एज पर करेंसी ऑप्शन कभी कभी इंटरेस्ट वो लोग बोलते हैं तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो इफ इंटरेस्ट रेट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कर सकते हो कैलकुलेट, एंड दैट इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम विल बी बेस्ड ऑन बोरोइंग रेट ये अपन लोग ने अभी वो सब में देखा था ना सो so, वो था मेरा बोरोइंग रेट बोरोइंग इंटरेस्ट रेट इंटू जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट था इंटू ड्यूरेशन ठीक है ड्यूरेशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑप्शन डन चलो इसी के साथ करेंसी ऑप्शन भी कंप्लीट एंड डन सो so, अब खाली एक बार गोत्रा सब क्वेश्चन को एंड मजा आ जाएगा बस यार ये अब जो लेक्चर आज लिया है उसको वापस दो तीन बार देखना सारे क्वेश्चन आई थिंक थरली डन समाइट थर्टी थर्टी सिक्स अब आप कोई भी सम उठाओ कैसे भी उसको सोल्व कर सकते हो वी है फॉर्मेट वी हैव सॉल्व ऑल द सम्स लॉजिकली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हाँ ये वाला एक सम था इसका एक फॉर्मेट खाली बना लेते भाई देखो अपने को पता है है एक्सरसाइज प्राइस क्या प्रीमियम क्या है तो इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि जब हम्म फॉर्मेट so, फॉर options. सो so, यहां पर देखो क्या आएगा ये अपना फॉर्मेट डाल देता हूं मैं ठीक है एक्सपेक्टेड रेट अगर आपको एक्सरसाइज करना है नहीं करना है ऑप्शन तो इधर येस या नो आएगा बेस्ड ऑन के वो कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है टोटल पेमेंट ध्यान रखना आप लोग जो भी होगा प्लस प्रीमियम ऐड करना मत भूलना प्लस प्रीमियम ऐड करना मत भूलना ठीक है ना सो so, जो भी आएगा अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक प्राइस राइट अदरवाइज right. जो ओरिजिनल स्पॉट रेट चल रहा है वो जो भी सीन है तो इधर चाहिए तो अपन लिख सकते हैं इफ येस तो स्ट्राइक प्राइस इफ नो देन प्रीवेलिंग स्पॉट प्राइस ठीक है इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द टॉटल एंड यू विल गेट द टोटल चलो भाई समाप्त इसी के साथ पूरा फॉर्मैट ऑप्शन का अब कोई भी क्वेश्चन कहां से भी आने दो आई एम श्योर यू आर एबल टू क्रैक इट फॉर श्योर सो लगा अपने को टाइम बट इट वॉज ऑल वर्थ इट डेफिनेटली 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 लेटमी नो हाउ हज इट सारे क्वेश्चन डन सारे कॉन्सेप्ट जो इसमें पॉसिबल है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है डन और क्या चाहिए बोलो चलो सो लेट मी नो हाउ वाज़ द सेशन और कुछ आपको ऐसे ही डिटेल्ड वाले लेक्चर्स चाहिए तो मुझे जरूर बताना आपके लिए आते रहेंगे बताते रहेंगे कमेंट जरूर करना कैसा लगा लेक्चर एंड स्टे ट्यून सारे लेक्चर्स के सारे चैप्टर्स के रिविजन लेक्चर्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड चलो टेक केयर कीप स्माइलिंग नोट जो भी है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे यू कैन टेक इट फ्रॉम देर हस्ताला थैंक यू सो मच बाय